दिस इज आलोक, आई एम 24/7 सर्विंग फॉर द मनोविकास फैमिली विथ माई स्वीट डॉटर एंड माई डेडिकेटेड वाइफ एंड वन ऑफ नेशनल अवॉर्डी एज ए रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट फॉर पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी एंड द फाउंडर ऑफ मनोविकास फैमिली. आई लव एंड सेलिब्रेट डाइवर्सिटी एवरी मोमेंट इन माई लाइफ. वेलकम टू मशवरा एपिसोड 42.09 episode. This is a live consultation for persons with intellectual and developmental disabilities during the coronavirus outbreak. मशवरा के इस 42वें एपिसोड में हम आप सभी का स्वागत करते हैं. कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान मशवरा बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के लिए लाइव परामर्श का एक माध्यम है. आई वेलकम ऑल आर गेस्ट एंड ऑडियंस. And today we are going to talk about the good practice of parental perspective. माता पिता के दृष्टिकोण से हम लोग आज देखेंगे कि जो बात करने जा रहे हैं कि माता पिता का जो दृष्टिकोण है वो हमारे बच्चों के लिए उनके लिए कैसे काम कर रहा है. So among the challenges facing many parents is support and care for their young children who are either born with special needs or develop such needs early in life. This good practice series of Mashwara describe experience-based interventions for parents of children with intellectual and developmental disabilities. And parents often seek out some program or support to help them to develop skills, learn problem-solving approaches, or receive support because of the challenges they face in carrying out the, we can say, the type of parenting or they wish to provide. They recognize that their child's characteristics may demand special skills in addition to the general knowledge, attitude and practice needed by the parents. हम चुनौतियों के बावजूद बहुत से माता पिता अपने विशेष जरूरत वाले बच्चों की देखभाल करते हैं. मशवरा की यह श्रृंखला बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के माता पिता के अनुभव पर आधारित है. माता पिता अक्सर कौशल विकास करने में या कौशल को विकसित करने में मदद करने में या उनके उस तरह के कोई कार्यक्रम के लिए सहयोग की तलाश करते हैं जो समस्या सुलझाने के दृष्टिकोण को सीखते हैं और जो चुनौती होती है उनके उन कहां से वो सहायता प्राप्त हो सकती है उस चुनौती को खत्म करने के लिए वो सहायता प्राप्त करते हैं. वे उस प्रकार के पालन पोषण का भी सामना करते हैं जो वो प्रदान करना चाहते हैं. बहुत क्या होता है कि अगर स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि पालन पोषण का जो एक चुनौती है वो ज्यादा बढ़ जाती है. वे मानते हैं कि उनके बच्चे की विशेषता माता पिता द्वारा आवश्यक वी कैन से कि हम उनको सामान्य ज्ञान की बात कर सकते हैं उनसे उनके जो एटीट्यूडनल चेंज है या जो उनके व्यवहार है उनमें प्रचल हम उनको परिवर्तित कर सकते हैं या अच्छे व्यवहार के बारे में हम बातचीत कर सकते हैं. इसके अलावा हम कौशल विकास के बारे में भी हम उसके लिए सोच सकते हैं. मैं हमारे सभी मेहमानों और दर्शकों का स्वागत करता हूँ. आपका खैर मकदम है, आपले स्वागत आहे, बड़कम, सत श्री अकाल. मशवरा का यह 42वां अंक हम आज जो बात कर रहे हैं वो माता पिता के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं और उस पर हम मशवरा करने का हम आप सभी के साथ अवसर चाह रहे हैं. दिस मशवरा लाइव कंसल्टेशन इज थ्रू जूम एंड फेसबुक लाइव फॉर पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, देयर फैमिलीज, केयर गिवर्स एंड प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग दिस कोरोना वायरस आउटब्रेक. मशवरा का यह लाइव परामर्श कोरोना वायरस प्रकोप के दौरान फेसबुक पर लाइव के माध्यम से बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांगजनों के उनके के लिए और उनके परिवारजनों के लिए और पेशेवरों के लिए लाइव है. मशवरा की हर श्रृंखला आप सभी के लिए है और आप सभी से मशवरा है. कृपया हम एक साथ मशवरा में जुड़े रहें. मशवरा सीरीज इज फॉर ऑल, प्लीज सर्कुलेट एंड ज्वाइन टुगेदर. वी हैव बीन डूइंग मशवरा सिंस 30th April एंड दिस इज आवर 42 एपिसोड. आवर प्रोग्राम मशवरा एंड मन भावन हैव टारगेटेड टू रीच more than 5 lakhs viewers by this World Disability Day on 3rd December 2020. We know you like these programs, you are very much fond of these programs. So kindly circulate among the persons with disability, their families and society at large to join Mashwara and Manbhavan.
Mashwara, post-program recordings are available on our YouTube, Facebook, Instagram, and other social media, as well as the website mashwara.live. I once again welcome and appreciate our guests to join this Mashwara Live. This episode is bringing a very important topic, and this is my pleasure to welcome our expert today, Mr. Anil Joshi sir. So welcome you, sir. Namaskar. And Anil Joshi sir is a former program director, Center for Excellence of Accessibility Technology, IBM. And he is a former board member of National Trust, Ministry of Social Justice and Empowerment. He is a founder member of the National Confederation of Parents Organization. He is so many things. And he is the father of a person we can count upon her, and we can talk about her. देवांशी के बारे में सभी जानते हैं, बहुत सारे मीडियाज में देवांशी के बारे में छप चुका है. तो आज मैं आपको, आप जो भी है, आपके बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े डिग्रीज हैं, डिग्निटीज हैं, डेजिग्नेशन हैं, बट आज मैं आपको देवांशी के पापा की तरह, पापा के नाते मैं आपको मशवरा में स्वागत करना चाहूंगा सर. सो वेलकम यू. एंड दिस सेशन विल बी प्रिजाइड बाय आवर, वी कैन से दिस, Desai sir is not here, so Gupta sir will preside the program, and we have the sign language interpretation by Miss Rakhi Ramola. मैं पुनः आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं, और मशवरा लाइव में शामिल होने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं. पुनः स्वागत करता हूं मैं एपिसोड में विशेषज्ञ श्री अनिल जोशी जी सर का और गुप्ता सर का, एंड विल गो डायरेक्टली विदाउट एनीथिंग टू अनिल जोशी सर, एंड वी विल हियर फ्रॉम यू. आई हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग. And I will request my audience, please write your questions here and we will take your questions. और हम लोग फिर वो अनिल जोशी सर से उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे. आज हम लोग जितना चर्चा कर सकें, जितना अपने मन की बात हम शेयर कर सकें, उसका बहुत बहुत स्वागत है. सो अनिल जोशी सर, यू आर वेलकम एंड देन टर्न इज योर्स. नमस्कार मित्रों, गुड आफ्टरनून. इट गिव्स मी ग्रेट प्लेजर टू बी विथ यू. And thanks to Dr. Alok and Manovikas and Mashwara family to be here. Let me tell you, I am a great fan of Mashwara, and I try to participate in as many webinars as possible. Not because it's organized by Dr. Alok, which is in itself a nice effort, but for the kind of topics which have been chosen, and most important for the luminaries who have presented, the stellar people who have presented on the Mashwara so far. When Dr. Alok requested me that I should express myself or make a presentation, frankly speaking, I was a bit reluctant. Not because I don't like to talk to parents, I do like to talk to parents, but formally I am not qualified in disability sector, so that way I am not an expert on disability. So whatever knowledge I have is because of the experts and professionals and various interactions with the parents which happened on different forums over the past more than 25-26 years, and the parent in me evolved, the professional in me found that, you know, whatever information technology and computers knowledge I had could be leveraged to improve the quality of life of persons with disabilities, which I'll be sharing briefly later on. And most important, that I am getting an opportunity to interact with parents. So unlike the experts, I am not going to present any PowerPoint presentation, even though I have many in technology as well as in the rehab practices. I thought this is a better opportunity to interact with parents. So I am here to learn. I am here to learn from your experiences. I am here to understand what exactly are you thinking as parents and professionals, because there has been a lot of buzz around inclusion, rehabilitation, persons with disabilities, and more specifically
persons with intellectual and developmental disabilities, which is our key domain. So having said that, whatever comes to you is my experiential learning. And how did it happen? Like all other parents, when the news of your child newly born having some issue is broken to you by the pediatrician, attending pediatrician, it's an overwhelming feeling. The new parents who may be just newly married or very young, they do not know what is it all about. In my case, even milestone as a word, I had heard for the first time in my life. Fortunately, I was having a close circle of good friends, which included doctors also and pediatricians, who tried to explain to me certain things and also candidly told me, and I'm thankful to them for that, that Anil, we do not know anything about managing the child. All that we can tell you is the clinical or medical vulnerabilities. So you're most welcome to approach us for medical issues. Do not come to us for management issues, which was such a great assurance, because then I did not waste time. I suddenly realized that the first instinct that hits you as a new parent who has just been given the information that your child is likely to be having some delays in development is that of fear, the fear of unknown. I had an advantage by virtue of my education, coming from the systems background. We typically look at the situation and we don't look at it as a problem. And the best way, if I do not understand a situation or if I have got overwhelmed by the situation, is to reach out, try to understand the dimensions of that situation and reach out. Now, whom to reach out, you may not know, so it's better to ask. So the first mantra of all the parenting is reach out to people, network, ask. Don't be hesitant to say that I do not know. Over the period of years, what I realize is all of us are exploring. This is such a big situation and there are multiple dimensions to understanding disabilities that nobody can really say that I'm an expert in everything. So is true for expert medical professionals who have their own domains. Now, having said that, once we reach out and try to understand the ecosystem, and Dr. Alok, let me ask you, is it okay please, to continue in English or थोड़ा mix कर लेते हैं, थोड़ा सा mix कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे अभी statistics पता नहीं है कितने कितने लोग कहाँ से हैं। हमारे पास तो पूरे पूरे इंडिया के लोग आते हैं, तो साउथ इंडियन भी आते हैं, महाराष्ट्र के भी आते हैं, उड़ीसा के भी हैं। मिक्स कर सकते हैं, आप मराठी भी बीच बीच में थोड़ा बोल सकते हैं। नहीं नहीं, I can see some of the participants who are parents and I know you are the professionals who are there and they have known me and my views over the period of years. Yes, yeah, yeah. Now, typically what happens is when we try to reach out, a lot of resources open up for us, which is quite reassuring. And let me tell you, in information technology sector, we say the best time to be born in this world is now. Situation was different 25 years ago or 26 years ago, when we did not have internet, when we did not have online resources. But today, we have the enabling technology, which has brought knowledge to our doorsteps. आज पूरी ज्ञान का भंडार हमारे घरों में आया हुआ है। हमें सिर्फ ये देखना है कि वो इतना सारा ज्यादा ज्ञान है कि हमने उसमें भी खो नहीं देना है अपने आप को।
हमने एक फोकस तरीके से अप्रोच करना है सॉल्यूशन फाइंडिंग के लिए। अभी वो कैसे होगा इसके बारे में मैं मेरे थोड़े विचार आपको बता दूंगा। सो पहले जैसे मैंने कहा कि आपकी फियर को ओवरकम करना है। वंस द फियर इज ओवरकम विच विल हैपन बाय द रीअश्योरिंग लविंग इंटरेक्शंस विथ योर फ्रेंड्स एंड बिलीव मी फ्रेंड्स हैपन। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे दोस्त नहीं है। अगर आप समाज में मिक्स होते हो लोगों के पास तो आपको एक पॉजिटिविटी ही मिलती है जब आप आपके प्रॉब्लम्स जेन्युइनली शेयर करते हो। और ये मेरा अपना ही निजी अनुभव, ऐसी बात नहीं है। मैं जितने पेरेंट्स के साथ ऑल ओवर इंडिया में इंटरेक्ट करता हूँ उनका सभी का ये अनुभव है। अभी इसमें दूरी कहाँ आती है, दिक्कतें कहाँ जाती हैं? दिक्कतें वहाँ जाती है जब बच्चा अभी जस्ट छोटा सा है, पैदा हुआ है, लोग सोचने लगते हैं कि इसकी शादी होगी कि नहीं, लोग सोचने लगते हैं कि इसकी उम्र कितनी होगी। तो कहीं तो हम हमारी जो भावनाएं हैं उसका कंफ्यूजन कर लेते हैं। सो वी पेरेंट्स हैव टू रियली स्टार्ट ग्रुपिंग, क्लासिफाइंग एंड प्रायोरिटाइजिंग अवर क्वेरीज, our fears, our doubts, and once we do that we can think about the current facilitators. हाल फिलहाल में सभी तरह से समाज में भी एक जन जागरण हुआ है, क्योंकि गए 20-25 सालों में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया है। गवर्नमेंट ने भी काफी कानून लाए हैं, कानून में सुधार किए हैं। हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो समाज में चर्चे हैं और इसमें हमें ये देखना है कि हमारे सामने जो सिचुएशन है उसमें हम अपने आप को कंफर्टेबल कैसे महसूस करेंगे। वंस वी आर कंफर्टेबल विथ आवर ओन सेल्व्स, बिकॉज वी ऑल नो दैट ईच पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, each situation is different and the resources available at our disposal are different, whereas because of our children we may have to address the same set of problems. So what is the way out? The way out is to try and study. Hamare soch mein samajh mein jitne vichar ya situation ya problems aate hain उनको हम लिखना शुरू करें। लिखने के बाद हम ये देखें कि हमें हर आज के दिन बच्चे के बारे में सोचना है, आज हम क्या कर सकते हैं और उससे नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या हासिल होगी। जैसे मैं कहता हूँ कि बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट कीजिए, अर्ली इंटरवेंशन अगर दे सकते हैं, फॉर्मली दे सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारा देश इतना डाइवर्स है कि इसमें हर जगह अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज अवेलेबल होगी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। हमारे यहाँ ट्रेडिशनल विजडम इतनी ज़्यादा है कि हमारे घरों में ही हमारे दादा दादी नाना नानी के पास ऐसे नुस्खे हैं कि उसके कारण बच्चे की लाइफ पे काफी पॉजिटिव असर हो सकता है। नेचुरली इफ वी फोकस ऑन अर्ली इंटरवेंशन इन वॉट एवर फॉर्म वी आर हेल्पिंग द चाइल्ड डेवलप द साइनेप्सिस इन द ब्रेन। इट इज सेड दैट इन द गोल्डन एरा ऑफ 0 to 6 ईयर्स 90 to 95% ऑफ द डेवलपमेंट हैपन्स। हम जितना हो सके हमारे बच्चों को एक्सपोजर दे उनके सराउंडिंग्स को, और ये समझ लीजिए कि हमारे बच्चे, हर बच्चा किसी भी कंडीशन का हो, ही इज अ कीन ऑब्जर्वर, दे आर स्मार्ट एंड दे आर रजिस्टरिंग एवरी इनपुट विच वी गिव। नेचुरली द मोर इन्वॉल्व वी आर विद द चाइल्ड एंड मोर confidence the child has
in us as parents and his relatives, child progresses very well. तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पेरेंट्स नेटवर्क शुरू कर दिए. मैंने भी ये समझा था कि बाकी पेरेंट्स जो अनुभवी होंगे, who are all experienced and who try to find out the way in the available resources, they are the best people. We also contacted National Institute for the Mentally Handicapped, जो पहले बोलते थे NIMH, आजकल हो गया है NIEPED, because they have a beautiful family cottage program to deal with all the situations faced by the new parents. And unfortunately, not many parents are aware about it, and especially new parents take a lot of time to, you know, build the confidence. But I will very strongly recommend that whomsoever new parents you come to know, please inform them about these programs. आज की तारीख में ओवरऑल इंक्लूजन की बात चल रही है, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव फाइनेंशियल सर्विसेज, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव एंटरटेनमेंट, और इवन आज की पैंडेमिक सिचुएशन में जो हमारे ऊपर थ्रस्ट हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन क्लासेस. बिलीव मी, द न्यूअर जनरेशन, स्पेशली बॉर्न आफ्टर द ईयर 2000, आर टेक सेवी. Many times, coming from computer background, I have to seek help of my daughter, who tells me about how to, you know, see a particular program on a smartphone, on YouTube. And it's not just about entertainment. आज की तारीख में technology के कारण quality of life में इतना बहुत ज़्यादा positive असर पड़ा है कि सिक्योरिटी डिवाइस करके भी, इंडिविजुअल लोकेटर करके भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल हो सकता है. आपको बता दूं, कई सारे लोग जानते भी होंगे, मेरी बेटी गए 7-8 साल से इंडिपेंडेंट जॉब कर रही है, और हमें कई बार परेशानी होती है कि अकेली कैसे मैनेज करेगी, स्पेशली पैंडेमिक में जब पूरी मॉल्स और पूरे मार्केट्स क्लोज हो गए थे. हाउ शी विल कोप अप विद द सिचुएशन. And she found all her own way to connect with her team. She explored. We never taught her. WhatsApp conferencing, Zoom conferencing, वो खुद ने explore कर ली, और अपने अपने colleagues के साथ वो connect होती थी. जब lockdown खुल गया, अब partial opening हुआ है, हफ्ते में 2 बार जाना पड़ता है, तो हम लोगों को परेशानी होती थी कि अगर इसको कोई दिक्कत जाएगी या कहीं खो जाएगी. Otherwise malls में बहुत ज़्यादा भीड़ वगैरह होती है, तो इट्स ओके. आजकल बहुत कम भीड़ है, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि इसको अभी बता देंगे कि लाइव लोकेशन शेयर कैसे करना. उसने तुरंत दूसरे सेकंड में लाइव लोकेशन भेज दिया. सो द अवेलेबल टेक्नोलॉजी, मेनस्ट्रीम टेक्नोलॉजी कैन बी मेड यूज ऑफ. एज अ प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ एक्सेसिबिलिटी, आई कैन शेयर एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट at least 250 to 300 of our inventions and technologies are being used in your smartphones. We used to partner with different companies like iPhone, Apple and Samsung. So most of the facilities which you're getting were designed keeping in mind the requirements of every possible disability, including intellectual and developmental disability, to have लेसर कॉग्निटिव लोड. कहने का मतलब यह है कि टेक्नोलॉजी में यूनिवर्सल डिजाइन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए गत तकरीबन 14-15 सालों से ये प्रयास हो रहे हैं. ये बड़ी पॉजिटिव बात है. अभी हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमारे बच्चों को जो ऑलरेडी एनेबल्ड है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो हुए हैं. हम जब ग्रो हो रहे थे, हमारे पास डायल अप फोन नंबर्स थे, फोन यूनिट्स को डायल करना पड़ता था, टच फोन वाले फोन्स भी हमें पता नहीं थे. आज की तारीख में बच्चों को टच स्क्रीन वाले ही पता है. सो हम बेसिकली हमारे बच्चों की काबिलियत पे भरोसा करें. वी हैव टू ट्रस्ट देम, वी हैव टू बिलीव दैट यस, दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ लर्निंग, एंड अवर रोल इज दैट ऑफ अ फैसिलिटेटर.
अभी ये तो हुई टेक्नोलॉजी की बात, टेक्नोलॉजी पे भी कई सारी बातें हो सकती है, बट आई विल स्टॉप हियर अबाउट टेक्नोलॉजी एंड रेफर टू दैट इफ रिक्वायर्ड. सो व्हेन इट कम्स टू इंक्लूजन, हमें पता है कि कई सारे मुद्दे हैं कि इंक्लूजन पॉलिसी तो है एजुकेशन में, लेकिन पेरेंट्स का तजुर्बा कई बार ये होता है कि स्कूल्स में गए, स्कूल्स में इंक्लूजन नहीं हो पाया. सो लेट मी शेयर माई थॉट्स ऑन दिस. सी, इंक्लूजन इज अ ब्यूटिफुल जर्नी विच हैज मैच्योर्ड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एंड दैट इंक्लूड्स अवर चिल्ड्रन. नेचुरली वी हैव टू अंडरस्टैंड, एज आई सेड इन द बिगिनिंग, वी विल हैव टू अंडरस्टैंड द इकोसिस्टम एज टू हाउ इट्स सपोज टू वर्क. And before we really try to explore, we have to believe that we have our child who has capabilities, who also needs to be readied, जिनको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि the journey has to start from your home. कई सारे घरों में बच्चों को priority नहीं दी जाती है, नहीं ये नहीं सीख पाएगा, ये नहीं कर पाएगा. हालांकि किसी भी कंडीशन में मेरा ये अनुभव है हजारों पेरेंट्स और फैमिलीज के साथ इंटरेक्शन करने का, कि हर बच्चे को चाहत है, हर बच्चे को क्यूरियोसिटी है, हर बच्चे को लर्निंग एबिलिटी है, अगर हम उसको फैसिलिटेट करें तब. कई बार ये होता है कि पेरेंट्स प्रायोरिटी ना देते हुए थके हारे महसूस करते हैं, एक कुछ कहीं नेगेटिव एक्सपीरियंस आ गया तो कहते हैं कि नहीं, स्कूल वालों ने तो मना कर दिया, वो बोल रहे कि अभी स्कूल में निकाल दो, तीसरी चौथी तक गए. देयर आर वेज अराउंड, वी हैव टू बी द पॉजिटिव इंटरफेस फॉर आवर चिल्ड्रन. एक्सपीरियंसेस विल बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, बट आई कैन टेल यू एंड आई कैन अश्योर यू बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम वेरियस पेरेंट्स that if you communicate properly, if you establish a dialogue about abilities of your child, things do happen. But we have to make them happen. We have to be the catalyst. Hame wo process ko facilitate karna padega. Naturally, hame agar grouping karna hai, to main sahuliyat ke hisab se aise grouping karta hu, 0 to 6 years, 6 to 16 years, which is supposed to be the school going age, 16 to 24 years, when an adult, and we got to respect everyone as an adult once he grows, and prepare them for vocational skills and focus more on independent living skills. मुझे कई बार बहुत गुस्सा भी आता है और बुरा लगता है जब लोग फक्र से कहते कि मेरा 30 साल का लड़का है और वो स्कूल में जा रहा है. मैं बोलता, अगर आप 20 साल के भी हो जाते और आम बच्चे को कहते हैं कि नहीं स्कूल में जाओ, तो उनको कैसे लगता? उनका सेल्फ एस्टीम है, उसको प्रोटेक्ट कीजिए. बच्चों को समझ रहा, उनका शरीर भी बढ़ रहा, उनकी इमोशनल ग्रोथ भी हो रही है. सो लेट्स ट्रीट एवरी इंडिविजुअल एज पर द एज एंड अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस एंड ट्राई टू बी द ब्रिज बिटवीन द टू. अभी ये अगर हमारे घरों से शुरू होता है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर द सोसाइटी टू एक्सेप्ट अवर चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज. आप में से कई सारे लोग जानते होंगे, मैं नागपुर से आता हूँ और 2007 में मैं जब दिल्ली आया, मैं सिर्फ एक फैमिली को जानता था. जाहिर सी बात है कि वी वेर अप्रिहेंसिव कि नागपुर में तो ठीक है, हमने कई सारी कोशिशें की थी, वी रीच आउट टू मेनी रिसोर्सेज विच आई शेयर विथ यू अ लिटिल लेटर. दिल्ली में कैसे होगा, वेदर माई डॉटर माई फैमिली विल बी एबल टू नो कोप अप विथ सच अ डाइवर्स कम्युनिटी हियर. बिलीव मी, वी स्टार्टेड फ्रॉम अवर लोकेलिटी, रीच्ड आउट टू वेरियस एजेंसीज, वेरियस पीपल. टुडे आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज हु हैव अनकंडीशनली एक्सेप्टेड देवांशी. प्रोएक्टिवली रीच आउट टू हर, उसका कुछ भी अचीवमेंट होती है तो वो खुद होके उसको बधाइयां देने के लिए आते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम माय ओन रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, हु बाय देमसेल्व्स केम फॉरवर्ड एंड आस्क्ड अस अबाउट स्टोरी, इंस्पिरेशनल स्टोरी अबाउट देवांशी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज
हम जहाँ कहीं है, हम जिस वार्ड में है, हम जिस डिस्ट्रिक्ट में है, हम जिस किसी स्टेट में है, हमने ये देखना है कि व्हाट आर दोज एजेंसीज, व्हाट हु आर दोज पीपल हु आर लाइकली टू इंटरेक्ट विथ माय सन और डॉटर एंड हाउ आई एम गोइंग टू एस्टैब्लिश दैट इंटरफेस बिटवीन टू पीपल. अगर हमें भी कोई नया आदमी मिल जाता है, हमें दिक्कत होती है कि हम उनसे बात कैसे करें. तो जाहिर सी बात है कि समाज में लोगों के परेशानियां अलग हैं, लोगों के चैलेंजेस अलग हैं और लोगों की प्रायोरिटीज अलग हैं. जब तक वो ये पॉजिटिव एग्जांपल्स नहीं देखते कि नहीं यू आर गिविंग दिस पर्सन अ प्रायोरिटी, दे विल नॉट इवन लुक एट यू. बट द मोमेंट दे सी अ पॉजिटिव वाइब और पॉजिटिव एक्टिविटी विथ योर इंट्रैक्शन विथ योर सन और डॉटर, believe me, they all start volunteering. 2019 में हमने ऐसे ही कुछ पेरेंट्स कह रहे थे कि हमारे बच्चे कभी साइकिल चलाना सीखेंगे कि नहीं, तो हम कुछ पेरेंट्स ने मिलकर एक प्रयास किया कि उनको साइकिल सिखाए. 10-12 नए साइकिल्स ले लिए थे, पेडल्स निकाल के उनको बैलेंसिंग सिखाया और 7 दिन के अंदर वो सभी लोग साइकिल सीख गए. अब सब मदर्स तो रोने लगी. फिर हमने कहा कि चलो ये जो आनंद की बात है, लेट द वर्ल्ड नो अबाउट इट. वी रिक्वेस्टेड द मदर्स टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज साइकिल रैली. कहाँ पे? इंडिया गेट पे, इंडिया गेट टू विजय चौक. अब बात ये हुई कि इसमें कई सारे एजेंसीज आती हैं, 13-14-15 अलग अलग टाइप के एनओसीज लेने पड़ते हैं, पुलिस कमिश्नर से लेकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से लेकर एनडीएमसी से लेकर, सभी को एक एक करके तैयार किया. And believe me, in a very short span, we got such a positive response. उन दिनों मेरे ख्याल से कुछ code of conduct भी लागू था, तो chief guest कौन मिलेंगे, तो DSP of Delhi, he himself said, no, you are doing good work. मेरी तरफ से मैं आपके लिए organize करता हूँ. हर किसी का support मिला. कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि हमारे पास budget है तो हम खाने पीने की चीज़ हम देंगे. हम बोला सर reserve में रखिए, हम आएंगे आपके पास. सो द काइंड ऑफ अवेयरनेस, यू हैव टू बी द चेंज एजेंट. मेरा कहने का मतलब ये था कि जहाँ कहीं हम जाएंगे, चाहे वो रोटरी क्लब्स हो, चाहे सोशल क्लब्स हो, चाहे कोई सोशल फंक्शंस हो, नवरात्रि के गरबा डांडिया हो या प्रेस क्लब हो. कई बार लोग कहते हैं कि नहीं हमारे बच्चे घूम जाते हैं, हमारे बच्चों को सपोर्ट नहीं मिलता, सिक्योरिटी के इशूज हैं. हमने नागपुर में कोशिश की थी और वो पिछले मशवरा में मैंने सुना था किसी के कंसर्न्स. क्यों ना हम ये करें कि हर कमिश्नर महीने में एक बार एक क्राइम रिपोर्टिंग मीटिंग करते हैं, जिसमें हर पुलिस थाने में, हर आउटपोस्ट से AI, PSI, PI से लेके सब SHO तक सब लोग आके रिपोर्टिंग करते हैं कंपलसरी. तो वो कमिश्नर साहब ने हमें कहा था नागपुर में कि नहीं आप क्यों नहीं ऐसा करते कि हम लोगों को तो जानकारी नहीं है ये डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती क्या है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती क्या है, तो प्लीज गिव अस अ प्रेजेंटेशन. हमने एक एक एग्जांपल लेके उनके परमिशन लेके बच्चों की उनकी एक्टिविटीज दिखाई कि दिस इज व्हाट इज ऑटिज्म, दिस इज सेरेब्रल पॉल्सी, दिस इज सेरेब्रल पॉल्सी विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दिस इज इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, दीज आर स्लो लर्नर्स. तो छोटे छोटे वीडियो और छोटा प्रेजेंटेशन देख के सभी लोग इतने एनलाइटन हो गए कि आज तक नागपुर में किसी भी पुलिस स्टेशन में अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है तो दे कॉन्टैक्ट अवर पेरेंट्स एसोसिएशन. दिस कैन बी रेप्लिकेटेड नॉट जस्ट फॉर अवेयरनेस बट ऑल्सो टू रीच आउट टू इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी. कई बार बच्चे खो सकते हैं, कई बार कुछ समाज में कुछ अब्यूज हो सकता है. सो थिंक अबाउट इट इनोवेटिवली. ठाणे में ये आइडिया मैंने शेयर की थी, मुंबई में ठाणे में, तो ठाणे के एक सीलम करके मनीषा सीलम, उन्होंने कमिश्नर साहब से बात की और उन्होंने कहा कि हम आपको हमारी लिस्ट दे देंगे कि हमारे बच्चे हैं, इनकी ये फोटोग्राफ है, इनका ये एड्रेस है. तो ठाणे पुलिस स्टेशन में उनके जितने भी बच्चे हैं उनकी लिस्ट है. सो इनकेस ऑफ एनी प्रॉब्लम, जब हम इंडिपेंडेंट लिविंग की बात करते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं हमारे बच्चों को, वो तभी इंडिपेंडेंट होंगे जब हमको इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे. यूं नहीं कि हम हमारे
छाया में उनको ले जाएंगे। आज भी मैं जब यहाँ वेबिनार प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी बिटिया ड्यूटी कर रही है एंड शी फील्स वेरी हैप्पी अबाउट इट। नाउ देर आर चैलेंजेस, वी डू फील कि अरे थ्रेट तो है कोविड इन्फेक्शन ना हो, बट देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू एक्सप्लेन टू देम एंड गेट थिंग्स डन फ्रॉम देम। दिस इज व्हाट आई मीन बाय ट्रस्टिंग योर पीपल, ट्रस्टिंग योर ओन चिल्ड्रन। अभी लक्ष्मीनारायण जी जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने कहा है कि आप लीगल गार्डियनशिप पे बात कीजिए। मेरा ये सपना है कि विद इन द लिमिटेशंस ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड देयर एबिलिटीज, इंक्लूडिंग माय डॉटर, वी हैव टू गिव देम स्कोप टू डेवलप। आज से 10-15 साल पहले जब हमने पहली बार कोशिश की थी बैंक अकाउंट खोलने की, कई सारे लोग बोलते थे नहीं होगा। या उसके भी पहले जब मैंने मेरी बेटी को एक रेगुलर स्कूल में डाला था, कई बार लोग ये कहते थे नो यू आर थ्रस्टिंग योर एम्बिशंस ऑन योर डॉटर, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन का तो माहौल ही नहीं था तब। तो हमने बोला आपको किसने कहा है, आई एम लुकिंग एट द अदर साइड ऑफ इट, नॉट द स्कॉलास्टिक साइड ऑफ इट। आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट हाउ मच मार्क्स शी गेट्स, आई एम कंसर्न अबाउट हर लर्निंग, द इंट्रैक्शन विद हर पीयर्स, सेम एज पीयर्स, विच इज गोइंग टू गिव हर कॉन्फिडेंस। उसमें कभी झगड़े भी हो जाएंगे, कभी मारामारी भी हो जाएगी, उसी से सीखेगी ना। एंड बिलीव मी, आज भी उनमें से कई सारे बच्चे डॉक्टर्स इंजीनियर्स हुए हैं, कई सारे बच्चे परदेश भी गए हैं, दे आर इन टच विथ हर एंड शी हैज कॉन्फ्रेंस कॉल्स विद देम। सो द इम्पॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ इंक्लूजन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड। वी ऑल रियली हैव टू बिलीव आवर सेल्व्स दैट इंक्लूजन इज द की। स्टिल आफ्टर द एज ऑफ 18, मैं कई सारे पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ रोज। वी हैव गिवन अवर नंबर्स टू डाउन सिंड्रोम फेडरेशन ऑफ इंडिया, टू परिवार, एंड पेरेंट्स रीच आउट टू मी एंड माई वाइफ फॉर एनी क्वेरीज एंड दे कीप आस्किंग सच क्वेश्चंस कि वोटिंग राइट्स हैं क्या। नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज डिक्लेयर्ड एंड हैव हेल्ड इंक्लूसिव वोटिंग कैंप्स, रजिस्ट्रेशन कैंप्स एक्सक्लूसिवली फॉर अवर चिल्ड्रन एंड दे हैव कम अप विद अ वीडियो कैंपेन ऑल्सो अर्जिंग एवरीवन, एनीवन अबव 18 शुड गेट अ वोटर आईडी कार्ड। सो आई एम हैप्पी दैट द प्रोसेस हैज स्टार्टेड एंड पेरेंट्स नीड टू एजुकेट एंड वी ऑल नीड टू रीच आउट टू द पेरेंट्स टू टेल देम दैट लुक, यू डोंट प्रिज्यूम इनएबिलिटी, you have to believe in their ability and everything is possible. You can open up a bank account even without guardianship certificate. So long as you can demonstrate ki main aapka bachcha signature kar sakta hai, agar signature nahi bhi kar sakta hai, aap ek joint account khol lijiye and this is what needs to be encouraged. Similarly, aap chahe aadhar card ki baat kijiye, aap pan card ki baat kijiye, aap पासपोर्ट की बात कीजिए, एवरीथिंग इज इक्वली अवेलेबल एज एंटाइटलमेंट टू ऑल अवर चिल्ड्रन। नेचुरली इफ पीपल सी दैट कॉन्फिडेंस, मेरी बेटी को हमने क्रेडिट कार्ड भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई शक है तो आप एक एड ऑन क्रेडिट कार्ड दे सकते हैं और वो इस्तेमाल हो सकता है। आज ऑनलाइन बैंकिंग में भी बच्चे भी समझते हैं कि ये नंबर किसी को बताना नहीं है, 2-3 बार गलतियां करेंगे, लेकिन आप उसमें एक अपर कैप लगा सकते हैं कि 2000 रुपए तक ही क्रेडिट कार्ड में खर्चा होगा। सो स्लोली स्लोली इट टेक्स टाइम बट एवरीथिंग इज डूएबल। स्टिल देर इज अ नेसेसिटी दैट सम पीपल मे नीड गार्डियंस, नॉट फॉर टुडे, एट अ लेटर स्टेज। आई विल नॉट टॉक much about the way guardianship is being implemented, because then that in itself will become a separate topic. But all that I can say is through RPD Act 2016 as well as through National Trust Act, we have got beautiful provisions. We have a robust legal provision. Now, how to operationalize it at central level, at state level, at district level, and at taluka level is up to all of us. Hum parents ya professionals ye samajh ke na baithenge, dusra koi karega. Maine bataya har bachcha agar focal point pakad ke hum kaam karte hain to
मुमकिन है, सभी एजेंसियां सामने आती हैं, क्योंकि एक बात ख्याल रखिएगा, डिसेबिलिटी इज टच्ड इन एवरी लाइफ। हम जब पैदा होते तब हम चल नहीं सकते, तब हम बोल नहीं सकते, से लेके जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं तब भी डिसेबिलिटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। नेचुरली ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको डिसेबिलिटी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन वो जानकारी को हमने प्रायोरिटी में कैसे बदलना है और वो प्रायोरिटी को हमने एक्शन में कैसे लाना है, ताकि कोई भी सिचुएशन, चाहे एक इंडिविजुअल फैमिली के लिए हो, चाहे ग्रुप के लिए हो, चाहे एनजीओ के लिए हो, वो एड्रेस हो जाए और आपको हेल्प मिलती है। अगर आपने पॉजिटिव मैसेजिंग किया है तो आपको जर्नलिस्टिक हेल्प भी मिलती है, आपको अलग अलग एजेंसीज से मिलती है, आपको आर्य समाज से मिलती है, एंड दे आर ऑल विलिंग टू ऑफर हेल्प रिसोर्सेस फॉर द गुड कॉज दैट यू आर सर्विंग। सो नेशनल ट्रस्ट एज वेल एज आरपीडी एक्ट हैज द प्रोविजन फॉर लाइफ लॉन्ग गार्डियनशिप अबाउ द एज ऑफ 18, एंड टू स्ट्रेंथन दैट वी विल नीड टू वर्क विद द एजेंसीज। हम ये समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अभी भी डिसेबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो जाहिर सी बात है कि स्टेट एजेंसीज और स्टेट ऑफिशियल्स के साथ हम जितना हैंड होल्डिंग करें, चाहे वो बात डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की हो, चाहे वो बात UDID सर्टिफिकेट की हो, जैसे मैंने कहा समय लगता है, दिल्ली में अभी भी UDID कार्ड इशू होना शुरू नहीं हुआ, लेकिन अगर हम उनका पीछा करेंगे तो चीज़ें होती हैं। जैसे कुछ महीने पहले यहाँ का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशुअंस उसी डिस्ट्रिक्ट का उसी डिस्ट्रिक्ट में होता था, जब हमने उनको ये कहा कि इसमें दिक्कत जाती है, क्योंकि हो सकता है कोई पेरेंट डिलीवरी के लिए अपने मायके चली गई और दे आर मोर कम्फर्टेबल देयर, सो व्हाई डू वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट। अभी हाल फिलहाल अभी यह आया है कि यू कैन अवेल ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स फ्रॉम एनी ऑफ द डेसिग्नेटेड सिविल हॉस्पिटल्स, सो लाइक दैट चेंजेस विल हैपन एंड वी नीड टू कनेक्ट प्रोएक्टिवली। सो मुझे लगता है बाकी कई सारी बातें मैं कर सकता हूँ। वी रियली नीड टू सेट अवर प्रायोरिटीज प्रॉपरली, वी नीड टू रीच आउट, देर इज नो शेम इन आस्किंग हेल्प एंड इट कम्स। आज तक मुझे एक भी, गए 27 साल में मुझे एक भी निगेटिव एक्सपीरियंस नहीं आया। ज़रूर मेहनत करनी पड़ी, ज़रूर परस्यूएशन करना पड़ा, लेकिन ऐसा एक भी जगह नहीं हुआ कि हमने प्रपोज किया है काम हुआ नहीं है। दूसरा, मेरी बेटी जब छोटी थी तब किसी ने कहा था कि नहीं, बाकी डिसेबिलिटीज़ की बात और होती है, जब इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की बात आती है हमें झगड़ा करके नहीं होना है, क्योंकि इंक्लूजन तभी होगा जब समाज और अलग अलग एजेंसियाँ हमारे बच्चों को समझ लेंगी, उनकी काबिलियत समझ लेंगी। सो वी हैव टू वर्क हैंड इन हैंड विथ डिफरेंट एजेंसीज, एक्सप्लेन टू देम, एंड बिलीव मी ऑल ऑफ देम हैव पेरेंट्स, ऑल ऑफ देम हैव रिलेटिव्स ऑफ पर्सन्स विथ एनी ऑफ द डिसेबिलिटी, सो दे कम बैक टू यू एंड दे आस्क यू योर काउंसिल एंड इट हैपन्स। एंड लास्ट पॉइंट, एक से दो, दो से चार, ये एक्सप्लोजन होता है, और एक अगर आप कोई अच्छा कदम उठाते हो तो बाकी लोग जुड़ जाते हैं, और तभी एज अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज अगर आप आपके बच्चों को देंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पीछे कारमा खड़ा हो जाएगा। तो डॉक्टर आलोक, अभी कितना समय है उस हिसाब से मुझे बताइए। समय तो हमारे पास अभी आधा घंटा है। अगर आप चाहो तो हम इंटरेक्टिव हम यही चाह रहे हैं कि हम लोग इंटरेक्टिव करें। एंड आई एम अनम्यूटिंग, आई एम अलाउइंग द पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ, एंड आई विल गो टू खुशबू कुमारी, शी हैज रेज्ड द हैंड। व्हाट क्वेश्चन यू वांट टू आस्क? हेलो,
Good evening, sir. Good evening. Good evening. My question is, sir, as far as we are in this pandemic situation, so when the children got irritated in the in this new scenario and they have to follow the so much social norms and the protocols, so how can we make them calm down as far as the situation is concerned? Their irritation regarding to this situation, because this is a very prolonged time. Sir, my question is for the smaller kids. So they are not very much mature to handle all these things. So most of the time, father is he is outside for working and all. And so their irritation has to be managed by a mother. So yes. How should we actually manage all those irritations? जी, अभी गेम खेलना है. मैं ये समझता हूँ कि छोटे बच्चे मतलब 10 साल से नीचे. Yes. जी. हाँ. Yes. क्योंकि 10 साल के ऊपर तो हम अब तक बच्चों को थोड़ा सोशलाइज करने के लिए अलाउ भी करना चाहिए. कई बार मैंने देखा है मदर्स अपने बच्चों को अकेला छोड़ती नहीं है कि कोई मार देगा, कोई चिढ़ा देगा. चिढ़ाने दो, क्या बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कानों तक खबर आ ही जाएंगी. पैंडेमिक में ऐसा जरूर है. आप यकीन मानेंगे 5 साल का बच्चा भी समझ रहा है. यस सर. 5 साल का बच्चा भी ये पूछता है ये कोरोना कब जाएगा. और yes, हमारे रोज 2 से 3 वेबिनार्स होते हैं पेरेंट्स के साथ, ऑल इंडिया और कई बार तो इंटरनेशनल भी. हर जगह का मेरा तजुर्बा यह है कि अगर आप सही तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करो तो बच्चे कोऑपरेट करते हैं. बच्चे खुद जाके हाथ भी धो के आते हैं, पांव भी धो के आते हैं. मेरी बेटी जब घर से निकलती है और हाथ को सैनिटाइजर लगाती है, फिर मैं ही दरवाजा खोल देता हूँ गाड़ी का जब मैं उसको छोड़ने जाता हूँ, फिर भी वो करती है. तो मैंने पूछा कि अरे सैनिटाइजर क्यों तुमने दोबारा लगाया, तो बोले गाड़ी में बैठ गई ना मैं बोला तो क्या हुआ, गाड़ी तो बंद थी अंदर से. कहने का मतलब हम किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं. उल्टा मैं ये कहूँगा कि पैंडेमिक सिचुएशन ये एक वरदान आया हुआ है. आज ही मैं एक कहीं मैसेज पढ़ रहा था कि कई सारे मदर्स ये कहते हैं कि बच्चा जब से पैदा हुआ हम तो पैंडेमिक सिचुएशन में ही थे. कई बार तो हम लॉकडाउन में ही थे बगैर पैंडेमिक के, क्योंकि बच्चे के साथ ही इतने जुड़े हुए थे कि बाहर जाने का मौका नहीं मिलता था. बात सही नहीं है. सो मोर एंड मोर चिल्ड्रन हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग टेक्नोलॉजी एज एन इंटीग्रल पार्ट. बिलीव मी दे अंडरस्टैंड एवरी एवरी माइन्यूटेस्ट इंस्ट्रक्शन. अगर उनको आप कहो कि ऐसा होता है तो वो मान जाते हैं. बड़े ही नहीं मानते, बड़े बोलते कि नहीं मुझे मास्क नहीं लगाना है. बच्चों को आप थोड़ा एंटरटेनिंग कर लो, मास्क का कलर बदल दो, उनको थोड़ा शेप बदल दो, तो बच्चे बोलते कि चलो मैं आज ये मास्क पहनूंगा. तो मेरा तो मुझे नहीं पता बाकी लोगों का कैसा है. स्ट्रेसफुल पेरेंट्स के लिए ज्यादा है, स्ट्रेसफुल एडल्ट जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा है, क्योंकि वो सोचते ज्यादा है. बच्चों को अगर सही तरीके से बोलो, मेरा तजुर्बा और मेरा फीडबैक पेरेंट्स के साथ ये है कि बच्चे हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं. और एक्टिविटीज के लिए आप नई नई एक्टिविटीज खोजो. घर में अगर गमले हैं पौधों के, तो हर एक पत्ता धोने के लिए बोल दो, टच करने के लिए बोल दो, जिसके लिए हमें समय नहीं मिलता था. हमारे घर में हाल फिलहाल में एक बिल्ली के 4 बच्चे आए हुए, मैंने फेसबुक पे भी या स्टोरी में शेयर किया था. अब हम उसी में एंगेज हो गए कि चलो वो कैसे बिहेव करते. हमने घर में आने से मना कर दिया, लेकिन जो बाहर बालकनी है उसमें वो अच्छे से खेलते रहते हैं. तो जब छुट्टियां रहती है मेरी बेटी को, हम उन्हीं की तरफ ध्यान दे रहे हैं. कहने का मतलब यू कैन फाइंड योर ओन न्यू एक्टिविटीज एंड चिल्ड्रन विल कोऑपरेट. यस, वी हैव द जसप्रीत कौर. जसप्रीत कौर जी, आप क्या सवाल? नमस्कार सर. नमस्कार सर, आपने अभी कुछ वक्त पहले कहा कि NIMH या जो आप निपमेड है उनका भी कॉटेजेस है सर एडल्ट लिविंग के लिए. हाँ. आप उस प्रोग्राम का नाम बता सकते हैं सर? उनका फैमिली कॉटेज प्रोग्राम करके है. जी जी, धन्यवाद, मैं चेक कर लूंगी. हाँ, have you explored it, sir? Have you explored it yourself?
for Divyanshi? Sorry? Have you explored it yourself also for Divyanshi? Yes, yes. I had explored it some 23 or 24 years ago. Okay. Right. So, I used to go to NIMH many times because I was in Nagpur, and I liked the manner in which NIMH was, you know, looking into our children. Right. Okay. So this cottage program is for 5 days. The family, along with mother, father, sibling, and the a child with intellectual disability, is supposed to stay there from Monday to Friday. And it was. I'm sorry. I thought this was some sort of an adult living program. No, yes, it is not the. It is not adult living program. Is different. Adult living program is different. Okay. Fine, you have to be there for 24 hours and you get round the clock guidance कि पहले सुबह उठने के बाद क्या करना चाहिए, दोपहर में कैसे करना चाहिए, शाम को कैसे करना चाहिए, घंटे घंटे का एक्सपर्ट्स का आपको गाइडेंस मिलता है 5 दिन में. तो मैंने किया हुआ है, बल्कि दो बार ही किया हुआ है, क्योंकि अलग अलग एज में आपको अलग अलग डायरेक्शन चाहिए रहती है. अब शायद वो प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है, यू हैव टू चेक. चल रहा है सर? नहीं, अभी मैंने बात की थी डॉक्टर कृष्णा भी शायद कॉल पे होंगे तो ये बता सकेंगे, लेकिन अगर नहीं भी है तो हमने पेरेंट्स करके हमने लिखना चाहिए तो रिवाइव करेंगे. यस, उनके और, पास और ये तो डॉक्टर डीके मेनन साहब जब थे तो तब तो बहुत ही, हम लोग उस समय पढ़ाई कर रहे थे एनएमएच में जी, तो ये तो बहुत ही उम्दा प्रोग्राम था. सर एक हमारे पास शिवानी कपूर जी का है, डू आर किड्स हैव द राइट टू पोजेस द ड्राइविंग लाइसेंस? क्या उनको मिल सकती है? अभी देखिए, एक जैसे मैंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करती है. तो टेक्निकली मैंने भी ये एक्सप्लोर किया हुआ है, मेरा ड्रीम है कि देवांशी का भी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लेकिन अभी ड्राइविंग यानी सिर्फ एक्सलेटर, ब्रेक और क्लच की बात नहीं आती है. ड्राइविंग का मतलब होता है कि रोड ट्रैफिक का सेंस आना, रोड की सेफ्टी सिक्योरिटी, और अगर सामने वाला कुछ गलती करता है तो उससे अपने आप को कैसे बचाना. लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग मैंने आरटीओ से भी बात की थी, अगर आपका बच्चा कोई मेडिकल प्रोहिबिटेड कंडीशन में नहीं है, जो आपके और मेरे लिए भी लागू होती है, तो अगर हमने डॉक्टर का सर्टिफिकेट लिया तो एवरी पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैज अ राइट टू गेट अ ड्राइविंग लाइसेंस, सब्जेक्ट टू उनकी जो भी टेस्ट होती है वो उन्होंने देनी चाहिए. अगर आप कहेंगे कि नहीं, हम बगैर ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग टेस्ट के ही उसको लाइसेंस दे देंगे, तो आप उनकी जिंदगी खतरे में डालोगे. बट टेक्निकली यस, इट इज पॉसिबल दैट एवरी पर्सन हु इज एडल्ट विद अबव 18 ईयर्स can get a two-wheeler as well as four-wheeler license. पहले कुछ confusion था 5 साल पहले, लेकिन शुरुआत हुई है, hearing impaired वालों को भी नहीं देते थे क्योंकि उनको सुना ही नहीं देता, लेकिन hearing impaired वालों को भी driving license मिलता है. मेरे कुछ colleagues हैं US में जिनको legally blind कहते हैं, लेकिन उनके पास driving license है क्योंकि technology के कारण वो enabling हुआ है. और आगे चल के हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजीज पे भी काम किया था जहां असिस्टेड ड्राइविंग इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी मिलेगी करके, या तो आजकल तो ड्राइवरलेस कैरेज की भी काफी ऑटोमेशन हुआ है, लेकिन मिल सकता है बिल्कुल. ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास, मैं मनोविकास में बता दूं कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, दे आर हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस, वो कार भी चलाते हैं, स्कूटी भी चलाते हैं, सारा चीज चलाते हैं. तो इफ यू गो एंड सी, डोंट आस्क कि हम ड्यू टू द डिसेबिलिटी आई एम आस्किंग ड्राइविंग लाइसेंस, डोंट शो योर डिसेबिलिटी डोमेन. अगर आप उसको बोलते हैं कि मैं सक्षम हूं, आई कैन डू इट, यू कैन गेट द सर्टिफिकेट लाइसेंस ऑफ द ड्राइविंग. लक्ष्मी नारायण जी, यू वांट टू से समथिंग, बिकॉज आपका बहुत ही बड़ा मैसेज है, आप अगर इसको कट शॉर्ट करके या लेकिन नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप डिसेबिलिटी मत दिखाओ, आप डिसेबिलिटी दिखाओ. आपकी आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज आ रही है जी? हेलो जी, आपकी आ रही है. लक्ष्मी नारायण, हाँ, नहीं, 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 डिसेबिलिटी जी,
डिसेबिलिटी जरूर बताओ, डिसेबिलिटी बता के भी आपको लाइसेंस मिल सकता है। मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को जिनके पास मिल जाएगा, हाँ क्यों नहीं, टू व्हीलर के लाइसेंसेस है। जी जी नहीं है सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। सोनू बोला, यू वांट टू आस्क समथिंग? सोनू बोला, लक्ष्मी नारायण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, अगर आप, लक्ष्मी नारायण जी ने मुझे पर्सनली भी बताया है। हाँ हाँ ओके, आई कैन रीड हिज मैसेज कि इन्होंने देवांशी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी है, उनका फेसबुक भी शेयर किया है, एंड देन ही इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू सो मच। तो काफी काफी थैंक्स सो मच, यू ऑल हैव बीन सपोर्टर ऑफ देवांशी, थैंक यू। उन्होंने किशोर नहीं, लक्ष्मी नारायण जी ने पूछा है। हेलो जी जी सर जी बोलिए की व्हाट आफ्टर अस अबाउट देवांशी एंड इन जनरल एज वेल एज इन पर्टिकुलर। जैसे मैंने कहा कि शुरुआत तो बच्चे जब छोटे हैं तब से कीजिए, स्टार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टार्ट सेविंग, बिकॉज फाइनेंशियल कंपोनेंट इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स। अक्सर सभी पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कुछ नहीं तो रोज का एक रुपया बाजू में रखिए, साल के 365 रुपए हो जाएंगे, वो किसी बैंक खाते में जमा करें, बच्चों को भी समझ में आएगा, बच्चों को भी आदत होगी। धीरे धीरे बढ़ाइए, आप 5 रुपया पर डे, 10 रुपया पर डे, 20 रुपया पर डे, 100 रुपया पर डे, जो भी कर सकते हैं आप बाजू में रखिए। आरडी खोल लीजिए, अगर आरडी नहीं होता है आप पीपीएफ अकाउंट खोल लीजिए, जब तक के माइनर है वो माइनर अकाउंट में जाएगा, जब मेजर हो जाएंगे उनके नाम पे आ जाएगा। नो बैंक कैन डिनाय अकाउंट टू आवर चिल्ड्रन, ठीक है, आरबीआई का वैसे सर्कुलर्स है, गाइडलाइंस है, तो हर बच्चे को बैंक अकाउंट हो सकता है। पैन कार्ड, बच्चा अगर 5 साल का भी है, 8 साल का भी है, पैन कार्ड उसका आपको मिल सकता है, भले उसकी इनकम नहीं है लेकिन पैन कार्ड अगर रहेगा तो इट हेल्प्स। पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है। तीसरी बात, बच्चों को जल्दी समझ में आता है बैंकिंग और पोस्ट ऑफिस के व्यवहार, उनको पैसा गिनती आती है, उसका भले वैल्यू ना समझे, तो गिनती आती है 100 में से 80 निकालो, 20 रहते इतना पता रहता, लेकिन 20 की जगह हो सकता 50 का नोट दे दे, तो वो भी धीरे धीरे उनको आ सकता है, वो दे टेक टाइम बट दे कैन अंडरस्टैंड। सो यू हैव टू कीप द क्वाइंस, यू हैव टू कीप ऑल द करेंसी नोट्स एट हैंड एंड गिव देम, उनको उनको अलग से पर्स दो, उसमें एक लिमिटेड पैसा दे दो, ये तो हुई एक बार। दूसरी बात, स्टार्ट अर्ली, बच्चा जितना छोटा है तब से अगर आपने शुरू किया, अगर बच्चा 5 साल का है आपने 10,000 रुपए बाजू में रख दिए, कभी नहीं उसको इस्तेमाल करेंगे, तो 40 साल में हो सकता है कि वो 20 लाख हो जाए, 10,000 का 20 लाख हो जाएगा, क्योंकि वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत अच्छे से उसके ऊपर लागू होती है। और धीरे धीरे करते अगर आप ये करते हो कि जितना भी पैसा बाजू में रख सकते हैं, तो पहली तो फाइनेंशियल प्रोविजनिंग हो जाएगी, दूसरा ये होता है कि उसको मैनेज कैसे करेंगे। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं, 3 लेवल पे मैंने अलग अलग मॉडल्स स्टडी किए हैं, और अलग अलग मॉडल्स में मुझे ये पता चला है कि आपको एक आइसोलेशन में रह के काम नहीं होने वाला। इन द सोसाइटी यू विल हैव टू रीच आउट टू डिफरेंट वेलविशर्स, फ्रेंड्स, अप्रिशिएटर्स, फैंस, आपके बच्चों के हो जाते हैं, हर बच्चे के होते मैंने देखा है, बशर्ते अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट करो लोगों के साथ। अगर आप खुद आइसोलेशन में चले जाओगे, बच्चा भी आइसोलेशन में रहेगा। गवर्नमेंट फैसिलिटीज मे नॉट बी अप टू द मार्क और मे नॉट बी सफिशियंट इन नंबर, सो यू हैव टू क्रिएट अ पोजिशन ऑफ योर चाइल्ड इन द सोसाइटी, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सेट ऑफ फ्रेंड्स एट 3 लेवल्स, 1 फॉर मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनेंसेस, 2 सुपरवाइजिंग द सर्विसेस, वेदर द सर्विसेस आर बीइंग गिवन प्रॉपरली और नॉट, एंड 3 द एक्चुअल सर्विस डिलीवरी। चाहे बच्चा
घर में रह रहा हो चाहे बच्चा कहीं ग्रुप्स में रह रहा हो, और लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे को अपने आप से अलग करो। नाइट आउट फ्रेंड्स के यहाँ रहना, फ्रेंड का बच्चा आपके यहाँ ले आओ, आपका बच्चा फ्रेंड के यहाँ ले जाओ, हम लोग करते हैं। मेरी बेटी के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा था मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, कहीं पे भी जॉब कर सकता हूँ, तो हमने एक अलग से अटैच बाथरूम वाला रूम बनवा लिया, विच इज टोटली मैनेज्ड बाय माय डॉटर। शी डजंट लाइक अगर उसके कबर्ड में से एक उसका कोई ड्रेस हम हिला दें तो आके बराबर सवाल पूछती है कि मेरे कबर्ड को हाथ किसने लगाया। उसका ड्रेसिंग टेबल अलग है, उसमें से भी कुछ हिल गया तो बराबर चिड़चिड़ करती, तो किसने क्या क्यों ले लिया। हालांकि हम सभी मिलके इस्तेमाल करते हैं, बट शी नोज अबाउट, ये करना पड़ेगा। दीज आर कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्स विच हैव बीन वर्कड आउट बाय मेनी पीपल ऑन एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग एंड इंडिपेंडेंट एडल्ट लिविंग। इसको कैजुअली नहीं लेना है, ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इसको हमने परफेक्शन देना है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात कही सर आपने कि अगर हम उसको अपने से जब तक अलग नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं सीखता है। हम लोग भी जब मनोविकास में हमारे पास बच्चे आते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि नहीं, उसको कहीं घुमाओ, कहीं मेट्रो में जाने दो, पीछे से वॉच करो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वो फॉरगेट अबाउट द डिसेबिलिटी, बहुत सीवियर लेवल के भी लोग हैं जो कि अपने आप वो इंडिपेंडेंट ट्रेवलिंग भी करते हैं, बहुत अच्छे से वो जाते हैं। इवन की जो पैसे की बात कहा सर आपने, ओवर द पीरियड मीन्स मे बी 2-3-4-5-6 महीने में वो सीख जाते हैं। मैं एक आपको बच्चे का एग्जाम्पल कोट करूंगा। वन पर्सन ही गॉट द जॉब इन हल्दीराम एंड ही वॉज नॉट एबल टू मैनेज द मनी, और मैं 6 महीने के बाद वो आया सर कहने के लिए कि मेरी सैलरी जो है ना 5 फिगर में करवा दू। पहले उसको 8,000 रुपए मिल रहे थे, तो हमने कहा कि 5 फिगर क्या होता भाई, तो पता चला कि अच्छा वो 10,000 मांग रहा है। एंड देन लेटर ऑन उसका जो मनी कार्ड था, जो भी एटीएम कार्ड था और जो भी था, वो हम लोग हेल्प कर रहे थे। एक दिन वो कहा कि मेरा एटीएम कार्ड दे दो, मैं खुद अपने आप करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। एंड नाउ ही इज इंडिपेंडेंट, ही इज रनिंग हिज फैमिली एंड एवरीथिंग। तो अगर हम एक बार उसको अपॉर्चुनिटी दे दें तो फिर दे कैन एक्सेल एनीवेयर। सर देयर इज वन क्वेश्चन पल्लवी सक्सेना जी का है। पल्लवी जी, इफ यू कैन आस्क योरसेल्फ तो आप अपने आप पूछ सकती हैं, अदरवाइज पल्लवी जी आप हमारी आवाज सुन रही हैं? पल्लवी जी ओके, पल्लवी जी का क्वेश्चन है कि ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर in which child mental level can be good, problem lies in the behavior, whereas the autism in neurological disorder with the difficulty in social interaction, emotional disorder in learning. मतलब कि वो बता रही, but question क्या है वो समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, anyhow कोई बात नहीं, देखो कोई नहीं। ADHD या autism के बारे में भी पहले तो जैसे मैंने कहा कि you have to reach out to the real experts, find out, be comfortable with yourself first of all. Yes, very true. EBA, Advanced Behavioral Analysis, Behavior Management, या इसके पहले मशवरा में एक बहुत अच्छा सा सेशन हुआ था एक मैडम का, डॉक्टर मैडम का, उसको आप देखेंगे, पूजा जी का और उसमें आपको कई सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। हर मेरा ये पक्का मानना है कि हर बच्चा एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर स्लॉट में लाया जा सकता है। अगर आप भी मुझे कहो कोई चिढ़ाने वाली बात कहो तो मैं भी शायद चिढ़ जाऊं। डेफिनेटली, अगर मैं बोर हो जाऊं तो मैं भी ये सोचूं कि घर से भाग के निकलूं और कहीं बाहर जाके घूम के आ जाऊं। तो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट बट दे डू नॉट फाइंड कन्वीनियंट टू कम्युनिकेट। तो वो गुस्सा कैसे, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं। हर बच्चे का मैनेजमेंट का जो मॉडल रहेगा वो अलग रहेगा, लेकिन मैंने देखे हुए हैं कि परसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद में बच्चों को आराम से एक बिहेवियर एक्सेप्टेबल बिहेवियर ब्रैकेट में लाया जा सकता है। मैंने ऐसा एक भी बच्चा नहीं देखा हु इज नॉट मैनेजेबल इवन विदाउट मेडिसिन। मेडिसिन जो मेडिकल कंडीशन के लिए लगेंगे अलग बात है,
सीडेटिव के कारण नहीं बोल रहा हूँ। सीडेटिव देखे बच्चा सो रहा है उसके कारण बच्चे की लर्निंग कम होंगी, जो पूजा जी ने भी उस सेशन में कहा था। तो सर एक नमस्कार आलोक जी और नमस्कार अनिल भैया जी, आज कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। और मशवरा जब से चलता है चलता रहता है आप लोग को, वो तो आलोक भैया कहाँ से ढूंढ ढूंढ कर इतना अच्छा ब्राइट दिखा देते हम लोग को, मतलब हमारा भी इंस्पिरेशन बढ़ जाता है। अरे आप भी इंस्पिरेशन हो। लक्ष्मी को तो मैं रोज याद करता हूँ कि बहुत डांस करती है, लड़की जो है वो अकम्प्लिश डांसर है और मैं तो उसके प्यार में हूँ बिल्कुल। कि हमारी गुड़िया है उसको मैंने कई सालों से देखा हुआ, खुद होके अपने आप पर डांस को उसने डेवलप किया है ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स। सुभाग जी की भी मेहनत है उसके पीछे, है ना? आप लोग का हम लोग मिलते जुलते हैं तो हम लोग का स्ट्रॉन्ग बढ़ जाता है भैया जी। देवंशी का जो दोस्ती है रश्मि का साथ, जो देवंशी भी इंस्पायर्स बन जाती है, ये दोनों बहुत आपस में है। आज जो आप बता, आज आप जो आपका जो प्रेजेंटेशन दिखाया है बिल्कुल सही तरीका से, एकदम हमारा लाइफ जैसे है आप लोग को उपस्थापन कर दिया है। हमारा बच्चे का साथ, हमारा पेरेंट्स का साथ, सही बात है। जो रश्मि का जो भी आप बताए, देवंश का जो अलग अलग उन लोग का माने डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, वो लोग अपना तरीका से लाइफस्टाइल होना चाहिए, सही है। आज रश्मि भी ऐसी हालत में है, उसका कोई भी मैंने शेयर नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। मैंने अपना घर में भी थोड़ा सा कोई रूम में चल जाए तो मेरा कहाँ है, मेरा ड्रेस कहाँ है, मेरा रूम के कोई आया था ऐसे ही पूछता रहता है। ये सब पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए भैया जी। आप देखिए कि उसकी मेमोरी कितनी तेज है, आप उसके जो मेमोराइजेशन है वो अगर हम उस डोमेन को लें तो हम मेमोराइजेशन पे अगर बात करें बच्चों की तो हमें पता चलेगा कि जो हमारे बच्चे हैं वो हम आपसे कहीं ज्यादा चीज को दिमाग में रजिस्टर कर सकते हैं और काफी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। सर एक चीज है कि जो हम जी जी मैडम आपको कुछ कहना? किशोर साहू जी का एक सवाल है, या आप बोलिए फिर मैं सवाल लेता हूँ। जी जी बोलिए। हाँ जी सर, स्लो लर्नर्स के लिए कोई प्रोविजन बताएं। स्लो लर्नर्स के लिए प्रोविजन बताएं, इनको मेडिकल हेल्प नहीं मिलती, लर्निंग डिसेबिलिटी है बट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। तो सर्टिफिकेट का तो एक दिन बात हुई थी, हमारे आज सर्टिफिकेट वाले एक्सपर्ट नहीं है, जिस दिन डॉक्टर निमेश जी देसाई आएंगे आप सर्टिफिकेशन के बारे में उस दिन पूछिएगा। आज आपको पेरेंट्स से रिलेटेड कोई सवाल है, आपको पेरेंटिंग में कोई सवाल है तो उस पे पूछिए प्लीज। बिहेवियर इश्यूज सर। क्या है? ADHD बच्चा है, बिहेवियर इश्यूज। क्या बिहेवियर इश्यूज में क्या है, कौन सा बिहेवियर इश्यूज? एग्रेसिव होना, किसी के आगे अपने आप को मतलब अच्छे से ना रख पाना, ये जैसे कोई समटाइम टेस्ट आ गया तो उसके आगे वो अपने एंगर को कंट्रोल ना कर पाना। तो ये तो अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम बिहेवियर है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो आपके बच्चे का प्रॉब्लम बिहेवियर है, अभी अनिल सर ने भी कहा कि हमें उसको ऐसे एज ए प्रॉब्लम बिहेवियर तो हम देखें ही देखें, लेकिन जो उसका इंटरवेंशन है उसको बड़े ही तरीके से करें तो वो पूरी तरह से मैनेज हो सकता है। तरीके का सवाल जैसे सर ने अभी कोट किया कि हमारे ही मशवरा के एपिसोड में पूजा जी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे टिप्स बताए थे। इस तरह से हमारे पास जो बिहेवियर मैनेजमेंट के अलग अलग बहुत सारे टेक्निक्स हैं, अगर आप उन टेक्निक्स को समझ सकते हैं, अगर आप उन टेक्निक को यूज कर सकते हैं तो आप खुद करें, अदरवाइज आप कोई प्रोफेशनल्स का हेल्प लें तो आपके बच्चे का बिहेवियर पूरी तरह से मैनेज हो सकता है। जहां तक ADHD या और भी सवाल था कि मेडिकेशंस चाहिए या नहीं चाहिए, हम लोगों ने बहुत हद तक डिस्कस किया था और अभी अनिल सर ने भी डिस्कस किया कि हमें अगर हमने प्रॉपर बिहेवियर मैनेजमेंट का टेक्निक यूज किया है तो हमें मेडिसिन भी नहीं देने की जरूरत पड़ सकती है। जी सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, इसमें ऐसा है कि आपके बच्चे को सबसे बेहतर कौन जान सकता है ये बताइए। यस अगर जी, वो चिड़चिड़ापन करता है या किस परिस्थिति में वो चिड़चिड़ापन करता है, ये हम सभी को हमारे बच्चों को एक किताब के समान पढ़ना चाहिए पहली तो बात।
अगर मेरी बच्ची खांसती भी है, जैसे मैंने कहा आज वो ड्यूटी पे गई है, आने के बाद हम वो केयर ले लेते हैं कि शी शेयर्स कि आज क्या क्या हुआ, जो सेफ्टी सिक्योरिटी के नॉर्म्स है वो सब करते हैं सैनिटाइजेशन के, और आने के बाद नहाने के बाद ही घर में घुसेगी, ठीक है। अगर फिर भी वो कहीं चिड़चिड़ करती है तो हम बराबर उस, वो बताएगी नहीं डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली हमको समझना है और वो हम समझते हैं। फिर भी जैसे आलोक सर ने कहा कि अगर फिर भी आपको दिक्कत जा रही है तो जो बिहेवियरल प्रोफेशनल्स है ना, जैसे पूजा जी है, वो उन्होंने बहुत सही तरीके से बताया था, उन्होंने ये भी कहा था पेरेंट्स को कि आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, तो वो एक्सपर्ट है, वो एनालाइज करके आपको बता देगी इसके हर, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं लगती है। पूजा जी से बात करने के लिए सर लिंक भेजिएगा, मतलब कहाँ से उनको कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। आप पहले मशवरा के साइट पे जाइए mashwara.live पर, और पूजा जी के एपिसोड को फिर से वॉच कीजिए और वहीं पर उनका जो है डिटेल है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा है, जो मैं देखता हूँ कि मैं अपने भी प्रैक्टिस में ये बात देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है वहाँ पो में रहता है कि हम अपने बच्चे को कहाँ किस स्कूल में पढ़ने भेजें, स्पेशल स्कूल में पढ़ने भेजें, मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़ने भेजें। कामना महेश्वरी जी का सवाल है कि हमें सजेस्ट कीजिए कि क्या हम कहाँ हम भेज सकते हैं बच्चे। अच्छा देखो, जैसे मैंने कहा, अगर जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करते हो, मेरे हिसाब से अगर 3-4.5 साल तक अगर आपने बच्चों को सोशलाइज करने के लिए समाज में मिक्सअप करना शुरू कर दिया, जो होता है, क्योंकि तभी उनका और हमारा भी डर निकल जाएगा। ये तभी हो पाएगा जगह अगर आप पूरा उस सिचुएशन को स्टडी करें। जैसे मैंने कहा कि आप नेटवर्क कीजिए, बाकी पेरेंट्स को मिल लीजिए, उनसे सीखिए। अगर किसी वजह से ये नहीं होता है तो कोई भी स्कूल में, हालांकि आज इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसी है, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, स्कूल में एडमिशन तो मिल जाएगी। ठंडा लग रहा है, लेकिन अगर वो बच्चा बाकी बच्चों को, अगर 50 बच्चों को तंग करेगा तो 50 बच्चे मिलके फिर उसको तंग करेंगे। और इसके कारण इंक्लूसिव एजुकेशन में कुछ दिक्कतें जाती हैं, लेकिन वहां अगर हम, जैसे देवंशी के बारे में भी हम यही करते थे, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में रेगुलर स्कूल में थी जब इंक्लूजन का नाम नहीं पता था लोगों को, तो हम स्कूल के बाहर बैठते थे, दिन में 4 बारी जाते थे वहां पे, और वहां पे बाहर बैठते थे स्कूल के, स्कूल के अंदर भी हमें जाने नहीं मिलता था। लेकिन पेरेंट्स को और टीचर्स को ये पक्का पता रहता था कि हमारे पास इंटरडिपेंडेंट इंटरेक्शन होने वाली है। 6 महीने बाद वही स्कूल हमको ये कहने लगा कि सर आप अभी आने की जरूरत नहीं है, हमको देवांशी समझ में आ गई है, और वो 10th भी हमारे स्कूल से ही करेंगे। तो ये जो म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना है प्रोफेशनल्स के साथ ना, मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहा, उस हिसाब से अगर आप पूरा ध्यान दे के इंक्लूसिव स्कूल में डाल सकते हो तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन अगर इंक्लूसिव स्कूल में रोज बच्चा मारपीट करके ही आ रहा है किसी भी कारण से, तो फिर स्पेशल स्कूल में जाके उनको बाकी थेरेपीज और बाकी फंक्शनल लर्निंग करने की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है शायद मैंने सही जवाब दिया हो। एकदम सही जवाब दिया सर, मैं भी वही। मेरे पास अलका मैम है, यू वांट टू से समथिंग? अलका निजामी, या मैम? सर मैं पूछूं? एक मिनट अलका मैम से मैं पूछ लेता हूँ। पहले तो अनिल जी को नमस्कार, एंड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा आपने अटेंड किया मेरा। आपका तो मुझे अटेंड करना ही था, नहीं करने से काम चलता। थैंक यू सो मच। नहीं, आई थिंक जो अनिल जी बोल रहे हैं, सबसे पहले एक्सेप्टेंस में भी यही बोलूंगी कि फैमिली में होने की जरूरत है, एंड फैमिली को एकदम इंक्लूड करना है बच्चे को हर चीज में। और यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो जरूर आसपास के लोग भी पॉजिटिव रहेंगे और हमें सब सहयोग मिलेगा। जैसे अनिल जी
बता रहे देवांशी के बारे में, मेरा भी अनुभव मेरी भतीजी के साथ हु वॉज अ स्पेशल चाइल्ड यही रहा, बिकॉज शी वॉज इंक्लूडेड इन फैमिली, शी वॉज इंक्लूडेड इन एवरी कम्युनिटी, स्कूल में भी वो रेगुलर स्कूल में जाती थी, और हमारा भी वही अनुभव रहा कि जो बच्चे उसकी क्लास के थे वो बाहर चले गए, उनके शादियां हो गई, पर उसके बाद भी वो उससे संपर्क बनाए रखते थे, विच वॉज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर एनी चाइल्ड टू फील दैट दे हैव फ्रेंड्स हु केयर्स फॉर देम, हु लाइक्स टू बी विद देम. सो यस, जो किसी भी पेरेंट ने अभी पूछा कि भाई कहाँ देना चाहिए, इंक्लूजन में यदि हम दे सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, बट हाँ उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें समझना पड़ता है. सोनू के लिए अच्छा था वो जिस स्कूल में गई थी, जब प्रिंसिपल वॉज वेरी पॉजिटिव एंड शी वॉज अ फैमिली फ्रेंड, तो शी जस्ट एक्सेप्टेड सोनू एज एनी अदर चाइल्ड एंड शी वॉज गिवन ऑल फैसिलिटीज, वट एवर शी कुड अचीव शी डिड इन द स्कूल, बट शी केप्ट ऑन प्रोमोटिंग हर. आई एम टॉकिंग ऑफ वे बैक इन 70s की बात, 80 बिगनिंग में, उस समय भी स्कूल ऐसे थे, टीचर ऐसे थे जो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते थे. तो वी हैव टू लुक फॉर दोज काइंड ऑफ प्लेसेस एंड वी हैव टू वर्क टूगेदर. आई एम श्योर आवर चिल्ड्रन विल गेट अ प्लेस. जी नहीं, उसमें भी मैं जिनको पता नहीं हो उनको बता दू, अलका जी और मेरा शायद 25 साल से रिश्ता है, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं. अलका जी रांची में है, मैं नागपुर में था, फिर अभी दिल्ली में है. कहने का मेरा मतलब है कि ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कभी बीच में नहीं आती है, आपने अगर ढूंढने की कोशिश की तो सही लोग मिल ही जाते. दूसरी बात, अलका जी का तजुर्बा मेरे ख्याल से कम 40 साल का होगा, और उन वो बहुत अच्छा सेंटर चलाती है रांची में, वहां भी मैं गया हूँ, और दीपशिखा नाम है, बराबर है ना? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है. अब लॉन्ग ड्यू हो गया अनिल जी आपको आने का. आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा. और होता यह है कि इसमें ऐसा कोई सेट जवाब नहीं होते सिचुएशंस. बिल्कुल, हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोच के हमारी यहाँ अलग अलग जगह पर जो सिचुएशन रहेगी उस हिसाब से कुछ नया इनोवेट करके हमारे बच्चों की मदद करनी है. क्योंकि एक बात मैं बताता हूं कि कोई भी प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने में सालों का समय लगता है, लेकिन हमारा बच्चा हर समय हर मिनट बढ़ रहा है, तो उसकी जिंदगी खराब ना हो, उसके जिंदगी का हर क्षण इम्पोर्टेंट है, और वो हर क्षण उसकी मेमोरी में जमा हो रहा है, चाहे अच्छे अनुभव से चाहे खराब अनुभव से. और हर दिन हमारे बच्चे हमको नया सरप्राइज देते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा स्पार्क दिखा देते हैं जो बिल्कुल ही, जिसको पेरेंट्स जिनके ऊपर भरोसा नहीं रखते कि ये बच्चा रोड क्रॉस नहीं कर सकता, मैं उन्हीं के सामने पहली बार मिला हूं बच्चों को, उससे रोड क्रॉस करवा लेता हूं, बोला आपने कोशिश ही नहीं की. तो सही तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके आप कर लो तो हर बच्चा परफॉर्म करेगा, हर बच्चा विल बी अ विनर एंड अ ग्रेट अचीवर. वही होता है ना, जो ओवर प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन की जो सीमा है, हम उसको किस तरह से देखते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कि हमारा जो प्रोटेक्शन कैसे कर रहे हैं, हम उसको प्रोटेक्शन कर रहे हैं या ओवर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है. पेरेंट्स ने भी अपने आप को संभालने की जरूरत है. इट हैज टू बी अ कॉन्स्टेंट फीडबैक मशीन. जी जी, कि आप जो कर रहे हैं वो वाकई सही है. आप फीडबैक लो, दोस्तों से फीडबैक लो, आप सोसाइटी से फीडबैक लो, आप उनके टीचर्स से फीडबैक लो, और उसको अपने आप को भी सुधारो. सो पेरेंट्स आल्सो नीड टू इंप्रूव देमसेल्फ कॉन्स्टेंटली. यस, वी हैव नितिन हियर. नितिन, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सर, सर थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी. थैंक यू सर. अनिल ओके सर, बहुत सारी बातें दिमाग में आ रही थी. अभी मैं जैसे सर ने कहा या इससे पहले जो भी कह रहे थे उनके अकॉर्डिंगली पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ. अब एक मेरे पास एकदम दिमाग में बात आई कि तारे जमीन पर फिल्म आई थी,
उसमें भी आमिर खान जो है वो पेरेंट्स को पहले बहुत एक्सपेक्ट करते हैं, पेरेंट्स काफी दुखी होते हैं, बाद में वो उनको बताता है कि यार आपके बच्चे, मतलब वो पेंटिंग में जो है ग्रो कर जाता है। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जब मैं 24 साल का था, मेरी ऑडियोमेट्री हुई कान की, अभी भी मैं बहुत सारी चीजें मिस कर रहा हूँ सुनने में, तो मैं हेयरिंग एड लगाता हूँ, सीवियर हेयरिंग लॉस है। तो उस समय जो स्पीच स्कोर है, स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, उसके अकॉर्डिंगली भी मतलब ऑडियो जो ऑडियोलॉजिस्ट था उसने नहीं बताया, कि एक अमेरिकन डॉक्टर ने बताया कि नितिन आपका केस ये है, इस तरह की बात है। तो ना मुझे पता था, ना मेरे घर को पता था, कुछ भी नहीं पता था। और फिर उसका लाइफ पे भी बहुत फर्क पड़ा। अभी मेरा क्वेश्चन सर से ये है, इंक्लूसिविटी जो है जितना कर सकते हैं, सारे एनजीओ के पास आते हैं बहुत सारे पोस्ट, वो है अक्टूबर में, और बहुत सारे पोस्ट आते हैं अलग अलग तरह के, तो एनजीओ हो स्पेशल एजुअर हो, वो अपनी तरफ से करते हैं सब कुछ, और भी जो भी एजेंसीज हैं करती हैं इंक्लूसिविटी के लिए भी। और ड्राइविंग लाइसेंस की बात हो रही थी, मैं गया था आरटीओ में, यहाँ पे जो शिफ्ट हो गया शेख सराय से सराय काले खान, तो वहां मैं गया, तो वहां पे कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था ठीक से। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि पेरेंट्स जो हैं उनके लिए अगर बोलूं, जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, अगर वो एडवर्टाइज करती हैं न्यूज चैनल में या कहीं पे भी कुछ करती है एडवर्टाइजमेंट, जो भी एक्टिविटी करती है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि उसका जो है ना इम्पैक्ट पेरेंट्स के ऊपर पड़ता है, सब लोग देखते हैं, जर्नल होता है, ये लोग जो मेरे पास पोस्ट आते हैं ये स्पेसिफिक जगह पे आते हैं कि हाँ पर्सन विद डिसेबिलिटी ग्रुप में आ रहे हैं, हर किसी नहीं पता। लेकिन अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ ऐसे चीजें करें तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पेरेंट्स भी समझे कि हाँ ये चीज है, तो अवेयरनेस अच्छी रहेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वो कैसे, उनको कैसे हम मतलब बोले कि वो क्या कहते हैं इंक्लूसिविटी को बढ़ावा दें, और क्योंकि हमारी जो 21 कैटेगरीज हैं और वो काफी डाइवर्स हैं, और सभी डिसेबिलिटी फील्ड में ये होता है कि हम लोग सब लोग किसी का डिसलेक्सिक कैटेगरी है, तो कोई हेयरिंग इम्पेयर्ड है, कोई डेफ लोगों के साथ है, तो सब बटे हुए हैं, सबको एक साथ आना है। पहली बार अगर राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाए तो पेरेंट्स को अवेयरनेस होगी, ठीक है, सोसाइटी को अवेयरनेस होगी, तो वो काफी हेल्पफुल रहेगा बच्चे के लिए। मैंने भी ये चीज अपनी लाइफ में देखा है बहुत ज्यादा, और मेरे को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, एंड यही मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कैसे हो बस, कि ताकि पेरेंट्स भी वो अवेयर हो जाए इन चीजों के लिए और हमें बेनिफिट मिले बच्चों को। अब मैं 40 इयर्स का हो गया हूँ, मैंने बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ में, प्लीज रिप्लाई। जी, मेरा तजुर्बा ये रहा कि अगर आप गवर्नमेंट में कुछ लिखते हो तो उस पर एक्शन जरूर होता है, उसको थोड़ा अगर आप गवर्नमेंट के साथ परस्यू करते हो, अच्छा जी, तो गवर्नमेंट एक्शन लेता है। जैसे मैंने कहा हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का, तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला, और अगर आप वो आरटीओ में जाके ये बताते हैं कि एक्सेसिबल इंडिया के तहत भी आपकी इंस्ट्रक्शंस मेरे लिए एक्सेसिबल हो, और अगर ये नहीं हो रहा है तो यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट मी, और उसकी प्रावधान आरपीडी एक्ट 2016 में है, इसके लिए आप अगर चीफ कमिश्नर के दफ्तर में कंप्लेंट करते हो आपको उसका हल जरूर मिलेगा। मैं आपकी बात मानता हूं कि गवर्नमेंट ने एडवर्टीजमेंट देना चाहिए, लेकिन आज की तारीख में सोशल मीडिया पे और वेबसाइट पे भी अगर डाल देते हैं तो उसकी भी इंफॉर्मेशन आउटरीच ज्यादा है। एडवर्टीजमेंट का खर्चा बहुत बढ़ गया है ऐसा मैंने सुना है गवर्नमेंट से, इसलिए गवर्नमेंट कई सारी चीजें एडवर्टाइज नहीं करती, बट यू आर राइट, अवेयरनेस के लिए प्रयास होने चाहिए, डेफिनेटली होने चाहिए, और हर लेवल में होने चाहिए, वो सरकारी हो, गैर
गैर सरकारी हो, पेरेंट्स के लेवल में हो, आप इंडिविजुअली भी अवेयर कर सकते हैं लोगों को। अगर आप अगर एक कोई कीर्तिमान स्थापित करते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अवेयरनेस है। मैं तो नितिन जी को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, ही इज डूइंग वेरी गुड अवेयरनेस एक्टिविटी। तो आपका जो एक अपना पर्सनल एफर्ट है वो भी इंक्लूड होता है एक ग्लोबल कंट्रीब्यूशन की तरह, सो ग्रेट। एंड श्रीहन की मम्मी स्वास्थ्य जी, यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग? या प्लीज। यस सर, कोई सवाल नहीं है। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ सर। जो अभी इतने सारे जो भी सर ने बोला वो सारे मेरे अनुभव से मेल खा रहा था, तो मुझे लगा कि मैं सही दिशा पे जा रही हूँ। मैं सर जूनियर हूँ। बड़ी खुशी हुई आपको सुन के। थैंक यू सो मच। आपसे काफी जूनियर हूँ आपका, और ये अच्छा लगा कि आपने मेरे से भी इतने आगे, मतलब 25-26 साल पहले आपने जानी शुरू किया था, 11 साल पहले से जानी शुरू किया है, लेकिन आज के डेट में देखे तो वो 25-26 साल और 11 साल में समाज कितना बदला है, मतलब एक पॉजिटिव चेंज। जब मैंने भी ऑटिज्म को फेस किया था तो सिचुएशन कुछ था, आज मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ। आप 26 साल पहले थे, आज मतलब आज जो एक माँ ऑटिज्म को फेस करेंगे तो वो काफी कंफर्टेबल रहेंगे, आई एम श्योर, आपके और मेरे के कंपेयर में। मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जैसे कि आप बोल रहे थे कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेरा एक एक्सपीरियंस है। जब श्रीहन ने अर्ली इंटरवेंशन कंप्लीट कर लिया तो मैंने सोचा चलो एक बार मेन स्ट्रीम ट्राई करते हैं, नहीं होगा तो स्पेशल तो है ही। तो एक तब वो 4 साल का हो चुका था, एंड जब स्कूल में रिसेप्शनिस्ट को जाके मैंने अप्रोच किया कि मेरा बच्चा 4 साल का है और मैं इसको प्रेप में देना चाहती हूँ, नर्सरी में देना चाहती हूँ, क्योंकि ये स्पेशल है, मैं ट्राई करना चाहती हूँ। तो लगा कि मैं उनके फेस देख के लगा कि मैं कोई क्राइम करना चाहती हूँ कि एक 4 साल का बच्चा और नर्सरी, मतलब वो रिसेप्शनिस्ट के लिए बहुत ही अजीब था। तो और मैं प्रिपेयर भी थी इस चीज के लिए, वही रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी। तो मैंने उनको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया, फिर उन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो, तो मैं अपना गली का नंबर बताया। तो उस टाइम इतना हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस था, तो हम एक बहुत ही उस जगह में रहते थे, तो वो गली का नंबर सुन के उन्होंने बोला वो अच्छा जहाँ पे वो गंदे गंदे लोग रहते हैं। तो मैंने बिल्कुल शर्माया नहीं और मैंने उनके आंखों में आंखें डाल के बोला कि उन गंदे लोगों के बीच में से मैं भी हूं। तो उनको झटका लगा एंड तो उन्होंने प्रिंसिपल के पास जाके मुझे बाहर बिठा के प्रिंसिपल के पास जाके अप्रोच किया कि ऐसा ऐसा एक मदर आई है। प्रिंसिपल अपना चेयर छोड़ के, अपना रूम छोड़ के खुद रिसेप्शन पे आके यूं मेरे कंधों पे हाथ देख के मुझे अपने रूम में ले गए। एंड उस वहां पे मेरे बच्चे का एडमिशन हुआ, वो 1 साल पढ़ा और बहुत अच्छे से, मतलब अच्छे से इन द सेंस स्कूल और मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, कोऑपरेशन था। फिर 1 साल बाद मुझे लगा ये जगह मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है, तो मैंने बदला, स्कूल नहीं निकाला। तो ये बहुत आप, मतलब आप जो बोलना चाह रहे थे उसका एक एग्जांपल मैंने दिया, एंड थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। अरे बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और ऐसे ही हिम्मत के साथ काम लेना है, बच्चे बड़े होंगे और बहुत अच्छा कर्तव्य दिखाएंगे। काफी ब्रेव है ये। अनिल साहब, ममता। हाँ ममता जी बोलिए। अनिल साहब, ममता धामी हल्द्वानी। हाय ममता, हाउ आर यू? नाइस टू हैव यू हियर। और मैं देर से कनेक्ट हुई। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था अनिल साहब, मैं एक पेरेंट्स का ग्रुप रन करती हूँ यहाँ पे व्हाट्सएप में, सुपर मॉम्स करके। माय क्वेश्चन इज दैट अ लॉट ऑफ मदर्स कीप आस्किंग मी, जिनके 18 साल से ऊपर बच्चे हो गए हैं, कि वी वांट टू रजिस्टर इन द नेशनल ट्रस्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज द रोल ऑफ द नेशनल ट्रस्ट फॉर आवर चिल्ड्रन आफ्टर अस? I'm not very clear about it and I have not been able to explain to them very well. So could you tell me that? Yes. Good that you asked, but sorry that I really do not have much knowledge about National Trust, even though I was there on the board for 17 years. कहने का मेरा मतलब ये है कि National Trust जिस तरीके से हुआ है गए 7-8 साल में, वहां पे ना चेयरपर्सन है ना ऑर्गेनाइजेशनल ये है, तो जितने ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अगर उनको जाके पूछें
कि आप आपका स्ट्रक्चर तो ठीक है, आपका कानून भी ठीक है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो रहा है। कहने के लिए एनुअल रिपोर्ट में लिख देते हैं कि हमारी एलएलसी काम कर रही है या हमारे गार्डियनशिप सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या है इसके कोई स्टैटिस्टिक्स देते नहीं। तो इसीलिए वो है किसके लिए, मतलब हमारे बच्चों गार्डियनशिप उनके पास रहती है हमारे बाद, नथिंग एल्स। हाँ, उसका प्राइमरी अगर आप कानून अच्छे से पढ़ ले, तो मैंने तो मुझे पता नहीं 5000 बार पढ़ा होगा कानून। हर पेरेंट ने पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि दैट इज द ओनली एक्ट विच केटर्स टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस, सेरेब्रल पॉल्सी एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। अनफॉर्चुनेटली फॉर वॉट एवर द रीजंस, डिस्पाइट अवर बेस्ट एफर्ट्स, things have got out of sync, if I can call it that way, and nobody is even raising the concern. It is not complete. So parents ne jitne har zile se, mere hisab se har zile se log likhna shuru kar diye ki aapne kahan kahan injury kiya hai, usko kaise sambhav ho raha hai, aur dusra ki aapke LLCs, aapke ziladhish, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कहाँ तक इन्वॉल्व है, दे आर अकाउंटेबल टू अवर चिल्ड्रन, दे आर आंसरेबल टू अवर चिल्ड्रन एज पर द एक्ट, एंड इफ दैट इज नॉट हैपनिंग यू गॉट टू फाइल अ कंप्लेंट आइदर टू द मिनिस्ट्री और इवन टू ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखिए कि वी आर एज पेरेंट्स रियली कंसर्न्ड दैट दीज थिंग्स आर नॉट हैपनिंग द वे दे आर सपोज टू हैपन। मैं ये बोलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने पूछा तो ये है जेन्युइन, क्योंकि अक्सर लोग समझते हैं कि नहीं मैं अच्छी बात नहीं कर सकता हूँ, इसके लिए मैं बोलना नहीं चाहता। सिचुएशन है क्योंकि आई रियली डिड नॉट हैव एन आईडिया, रजिस्टर सब कराते हैं लेकिन उसका कितना उनको फायदा मिलेगा, क्या होगा, ये मुझे भी नहीं पता था। नहीं नहीं, फायदा जरूर मिलना चाहिए, मिलेगा भी, लेकिन पेरेंट्स ने जितना ज्यादा लिखेंगे, मंत्री जी को लिखेंगे या डिसेबिलिटी कमिश्नर और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिखेंगे, ये एक इकलौता कानून है जो लाइफ लॉन्ग गार्डियनशिप दे सकता है हमारे बाद हमारे बच्चों की भविष्य के लिए, सिक्योर भविष्य के लिए। ये कानून ही एक स्ट्रांग प्रोटेक्शन दे सकता है अगर इसकी पूरी मशीनरी सही तरीके से काम में लाई जाए। 20 साल पेशेंटली मैंने राह देखी, 1999 का कानून है, 2000 साल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, बीच में कई सारे प्रोग्राम्स आए, आप में से कई सारे लोग मेरे साथ जुड़े भी थे तब, और आज भी मैं जुड़ा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ, बीइंग अ पेरेंट, वी पेरेंट्स हैव टू टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस, कि हम पहले तो कानून 50 बार 100 बार 200 बार पढ़ें, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा हम लीगल एक्सपर्ट की राय लें कि ये कानून है नहीं हो रहा है, हम क्या करें, जिलाधीश के पास जाएं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएं, उनको पूछे कि ये कानून तो ऐसा कहता है कि आप चेयरपर्सन हो लोकल लेवल कमेटी के, हमें बताइए कि आपकी लोकल लेवल कमेटी की मीटिंग कब हुई, उसका मिनट्स ऑफ द मीटिंग दिखाइए, एजेंडा क्या था, हमारे बच्चों के लिए क्या किया हुआ है। और उसके साथ साथ स्टेट लेवल के जो प्रोग्राम्स हैं, उनके जो एंटाइटलमेंट्स हैं हमारे बच्चों के, वो क्यों नहीं मिल रहे हमारे बच्चों, वो क्या क्या है, ये सब पूछना पेरेंट्स को ही करना पड़ेगा, या तो कुछ एनजीओ का सहारा लेके, जैसे आप हम तो आजकल आप लखनऊ में हो ना, लखनऊ सर, हाँ लखनऊ में तो कई सारे अच्छे एनजीओ भी काम कर रहे हैं, उनके उनका साथ जुड़ जाओ और उनको उनको कोलैबोरेट करो, जो मैंने कहा नेटवर्किंग करना बहुत जरूरी है। यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, वी विल टेक वन मोर क्वेश्चन, एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू मनोविकास, या मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूँ, मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगा। मनोविकास इज ओपन थ्रू मनोविकास ई ज्ञानशाला एंड अदर टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीकाउंसलिंग मीडिया, एंड आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है या कुछ भी आपको COVID-19 के दौरान कोई सपोर्ट चाहिए, यू कैन प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर वेबसाइट manovikas.family और कॉल अस 9991100772, एंड वी हैव वन गुड प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड मन भावन।
आप लखनऊ से जुड़ी हैं ममता जी, जहां जहां से जो भी जुड़े हैं, वी हैव सीन, वी हैव हैड अबाउट 30 एपिसोड्स ऑफ मन भावन, और उस मन भावन में जो हमारे जो स्टूडेंट इंजॉय करते हैं, जो उनकी जो एक भावना, जो एक खुशी की जो भावना का लहर होता है, दैट इज वेरी इनक्रेडिबल. सो प्लीज 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 अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो मन भावन है वो ट्यूजडे और फ्राइडे को आता है 3 बजे. तो आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे जो स्टूडेंट्स विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी या अदर डिसेबिलिटीज वाले लोग हैं उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, बड़े अच्छे हैं. अदरवाइज हम लोगों को इनकरेज नहीं मिलता है कि हमारे नए बच्चे नहीं जुड़ रहे. तो हम लोग 200 तक तो उसमें स्टूडेंट्स हैं, और भी हम लोग चाह रहे हैं कि और भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जुड़ें, जिससे कि काफी लोगों को सहायता मिलती है, पेरेंट्स भी काफी खुश होते हैं उसमें. तो प्लीज जुड़िए. और आई टेक वन मोर क्वेश्चन. सो प्लीज किस कोई एक व्यक्ति, या प्लीज जी. हेलो सर, आलोक सर जी. जी क्या नाम है? नाम एकता जी. मैम बोलिए. सर मेरा थोड़ा सा ये अलग है आज के टॉपिक से. मैं सर से पूछना चाहती कि जो हम लोग चेकलिस्ट बनाते हैं तो NIMS से जो होती है, तो क्या वो रजिस्टर्ड होती है, उसी के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है कि हम लोग अपनी भी चेकलिस्ट बना के बच्चे के अकॉर्डिंग बनाते हैं? सर वो चेकलिस्ट होती है जो बच्चों की क्या कहते हैं IP रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो हम लोग 2-3 चेकलिस्ट राइटिंग स्किल्स और वो टूल्स है, दैट इज कॉल्ड बेसिक MR, FACP, बेसल MR, ठीक है. ये हमारे टूल्स होते हैं जिससे हम किसी बच्चे का स्किल इवैल्यूएशन करते हैं. तो वो टूल्स थोड़े पुराने हो गए हैं, लेकिन आप नए टूल्स यूज कर सकते हैं. इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि हमें वही टूल यूज करनी चाहिए. सर कुछ बोलना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, देखो ये डेवलपमेंटल प्रोग्रेस जो है वो हर पेरेंट अपने तरीके से भी कर सकता है. उसकी गाइडलाइन आपको जो MDPS है या बाकी चेकलिस्ट है उससे मिलती है. लेकिन अगर आपको लगता है कि उससे भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट या कुछ नए तकनीकी कारण बच्चों में प्रोग्रेस दिखती है और जो वो पुरानी चेकलिस्ट कैप्चर नहीं करती है, तो आप जरूर अपनी बहुत सी पेजेस लगाए हैं, चेंज किए हैं जी. मैंने काफी पेजेस चेंज किए हैं, लेकिन जैसे मेरी काउंसलर होती हैं और प्रिंसिपल मैम होती हैं, तो वो पूछती हैं किसी उससे आके होती है कि मतलब क्या कहते हैं, एफिलिएटेड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं. हाँ, एफिलिएटेड है कि नहीं है. जो टूल्स होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो टूल्स रिसर्च करके बनाए जाते हैं, नॉर्मेटिव टूल्स होते हैं. तो आप अगर कोई भी टूल्स यूज कर रहे हैं तो आप उसकी जो वैलिडिटी है वो उसके बारे में आप अपने प्रिंसिपल को बता सकते हैं. उसका एफिलिएशन नहीं होता किसी टूल का, किसी इंस्टीट्यूशन से एफिलिएशन नहीं होता, लेकिन हर टूल्स की वैलिडिटी होना जरूरी है. ओके थैंक यू सर. और आज के जमाने में हमारे पास बहुत सारे और भी टूल्स हैं, जो कि हम अगर हम लोग मनोविकास में देखें तो वी हैव लेफ्ट दैट टूल्स अबाउट 10 years 12 years back. हम लोगों ने अब हमारे पास वो फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस होता है, दैट इज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर, एंड CPI होता है, कॉग्निटिव प्रोसेस इन्वेंटरी होता है, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द DSM क्राइटेरिया. तो आप ऐसे बहुत सारे और भी साइंटिफिक टूल्स आ चुके हैं, उसको हम यूज करें तो बहुत अच्छी बात होगी. जी सर कुछ? आलोक सर एक बार आप ऐसा सेमिनार भी प्लीज रखिए जिसे हम लोग फीडबैक फॉर्म और ये सब चीजें कैसे फिल करें और कैसे स्पेशल नहीं किसी नेक्स्ट टाइम आप करिए. हाँ, तो वो मैं बेसिकली मशवरा जो है वो लाइव कंसल्टेशन है फॉर द पेरेंट्स एंड आर पर्संस विद डिसेबिलिटी ड्यूरिंग दिस COVID-19. तो हम लोग कोई प्रोफेशनल प्रोग्राम्स नहीं है, कि हम कोई टीचिंग प्रोग्राम्स नहीं है इसमें. तो जब भी अगर आपको ऐसा प्रोग्राम चाहिए तो हमारे CRE होते रहते हैं, हमारे वर्कशॉप्स होते रहते हैं, तो आप उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए. तो हम लोग जरूर आपको उसमें पूरे डिटेल्ड में बताएंगे. ओके एंड ओके सर. सो वी विल गो डायरेक्टली टू आवर फॉर्म. नहीं खुलता है सर? हाँ जी फॉर्म नहीं खुलता है. फॉर्म नहीं खुल रहा है अभी, खुलेगा मैडम जब खत्म होगा तब ना. अच्छा ठीक है कोई बात नहीं. okay, हम तो इंटरेस्टेड है, हम बैठ जाए इंटरेस्टेड. ओके सो वी विल गो टू आवर JC गुप्ता सर. प्लीज सर, JC गुप्ता सर फाइनल रिमार्क्स. सर एक तो अनिल जी को बहुत बहुत बधाइयां. सर नमस्कार. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी और एवरीवन हु पार्टिसिपेटेड. नहीं सर, मैं तो ये तो हर इनका हर एपिसोड ही सुनता हूँ मैं.
और ये लास्ट में मेरे को फंसा देते हैं कि भाई गुप्ता जी आप कुछ बोलिए। नहीं फंसाते नहीं है सर, ये फंसाना नहीं है, एक तो ऐसा है सीखना होता है सर, एक तो ऐसा है ना कि देयर इज लैक ऑफ अवेयरनेस के डिसेबिलिटी के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे बच्चे में क्या कमी है या क्या खराबी है, और जब खराबी आती है, जब पता लगता है, तो वी आर इन ए स्टेट ऑफ शॉक, बहुत जबरदस्त झटका लगता है कि ऐसे कैसे हो गया, हमारे तो खानदान में किसी को नहीं था, अब ऐसे कैसे हो गया, कौन से पाप कर दिए हमने, तो एक उस शॉक से बाहर निकलना होता है। देन तीसरी बात आती है वेयर टू गो, हम कहां जाएं, हुम टू कॉन्टेक्ट, हु विल गाइड अस, कौन हमको रास्ता दिखाएगा, हमारे बच्चे का क्या होगा, ये सब चीजें हम कहां कहां जाएं, तो वो दर दर भटकते रहते हैं एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड अ सूटेबल प्लेस, तो वो सूटेबल प्लेस मिलना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद में तो जो बात आती है, जब सारा कुछ हो गया, तो हम उस बच्चे को स्पेशल चाइल्ड संभालना शुरू कर देते हैं, तो अ चाइल्ड इज अ चाइल्ड फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स, एंड एज पेरेंट्स एज प्रोफेशनल्स वी शुड डू ऑल दैट वी डू विद द चाइल्ड, कि एक बच्चे के साथ में जो हम करते हैं, एक सुनने वाला बच्चा है उसको नहलाने ले जाते हैं, तो नहलाने से पहले तुम्हारे हाथ गंदे हो गए, तुम्हारा मुंह गंदा हो गया, कपड़े कितने गंदे हो गए, ये सारी बातचीत हम करते हैं नहाते वक्त, अब हम देखो हाई पानी कितना गर्म है, इसमें हम थोड़ा ठंडा पानी मिलाएंगे, ज्यादा ठंडा हो गया गर्म पानी मिलाएंगे, आंख बंद कर लो, मुंह पे साबुन लगाएंगे, आंख में मिर्च लग जाएगी, तो ये सारी बातें करते रहते हैं, पहुंचते हैं, मतलब रनिंग कमेंट्री चलती रहती है माँ की, मगर इन बच्चों के साथ में जैसे जब तक हमको पता नहीं लगता है तब तक तो वो रनिंग कमेंट्री चालू रहती है, जैसे ही पता लगता है वो रनिंग कमेंट्री बंद हो जाती है, तो वो चालू रहनी चाहिए। तो वी शुड ट्रीट देम एज अ चिल्ड्रन। उसके बाद में तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि चिल्ड्रन आर नॉट एम्प्टी कंटेनर्स, दे आर फुल, दे नो हाउ टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये होता है कि मैंने एक बच्चे को गोदी में लिया, वो चुप हो गया, रो रहा था, मैंने गोदी में लिया, चुप हो गया, वापस दूसरे ने लिया, फिर रोना शुरू कर दिया, तो हम ये कहते हैं मेरी गोदी में क्या काटे हैं। तो दे प्रोसेस इज हाउ टू बी, हाउ वी होल्ड इट, हाउ वी होल्ड द चाइल्ड, तो वो एम्प्टी कंटेनर्स नहीं है, दे हैव गॉट अ वेरी गुड प्रोसेसर इन दैट, जैसे हमारे इंटेल के प्रोसेसर है, वो इंटेल का प्रोसेसर उनमें भी लगा हुआ है, दे नो टू प्रोसेस एवरीथिंग। मैंने जानबूझ के कंप्यूटर की बात नहीं निकाली इसीलिए, क्योंकि नहीं तो मैं उसी में वो बात करता था, लेकिन नहीं सर, सही है, प्रोसेसर मेमोरी प्रोसेसिंग इसी के ऊपर, ये बहुत जबरदस्त प्रोसेसिंग, मतलब इनका प्रोसेसिंग सिस्टम बहुत जबरदस्त होता है, हमारे को उनको इंफॉर्मेशन देनी है, सूचनाएं देनी है। नेक्स्ट मैं कहूंगा कि खड़े रहोगे तो अड़े रहोगे, खड़े रहोगे तो अड़े रहोगे, आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं अपने बच्चे को यही सब करना चाहता हूं, आप सपोर्ट लीजिए, उसके लिए लड़ाई करिए, एडवोकेसी करिए, तो आप वो जरूर अचीव कर पाएंगे जो आपने गोल अपने नया अपने बच्चे के लिए बनाए हैं, एंड योर गोल शुड बी रियलिस्टिक, कीपिंग इन माइंड द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की जो अवस्था है, बच्चे की जो स्टेटस है, स्तर है, उसके अनुसार हमारे को रियलिस्टिक गोल, वास्तविक गोल्स बनाने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट सर, ग्रेट। आप तो दरवाजे खोल के जाते हैं ना, दिमाग के दरवाजे खोल के जाते हैं, इसलिए मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। अनिल जी कुछ कह रहे थे? जी जी अनिल, नहीं बस थैंक यू, थैंक्स, आई रियली एंजॉयड शेयरिंग माय थॉट्स, एंड पेरेंट्स शुड फील लाइक यू नो रीचिंग आउट इन केस दे हैव एनी प्रॉब्लम्स। सर सर आपको एक मिनट और रुकना पड़ेगा, क्योंकि जब हम मशवरा के अंत में भी एक आध सवाल लेते हैं जाते जाते भी, तो अगर किसी पेरेंट्स को कुछ पूछना हो तो मैं आपसे जरूर पूछूंगा। और आप हमें ईमेल कर सकते हैं mashwara@manovikas.family पर, या फीडबैक फॉर्म में आप लिख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर कुछ नहीं पूछना चाहते तो वहां भी लिख सकते हैं, हमारी टीम आपके पूरे ईमेल को पढ़ती है, आपके फीडबैक फॉर्म को पढ़ती है और उसका जवाब बनाती है और आपको जवाब देती है। और हमारा जो गुड प्रैक्टिस सीरीज है वो हर वेडनेसडे को होता है, आप लोग सभी जिनको भी लगता है कि आप कुछ प्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपने अच्छे काम को बता सकते हैं मशवरा में, तो आप प्लीज बताइए, हम राष्ट्रभर से अच्छे काम को लाइव श्रृंखला में मेजबानी करने की घोषणा करते हैं, और हम आपके अगर अच्छे काम होंगे, हमारी टीम अगर आपका केयर में या एजुकेशन में या एडवोकेसी में किसी भी क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं, कोई भी प्रभावी आपकी प्रस्तुति है
तो हम पहले उसका मूल्यांकन करेंगे और फिर हम आपको जरूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी देंगे कि आप हमारे पास उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है, वी आर कमिंग अगेन ऑन सैटरडे September 19th at 3 PM विथ ए न्यू टॉपिक ऑन प्रोफेशनल एथिक्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेटर एंड टीचर एजुकेटर्स। हमारे पास बहुत सारे ऐसे एजुकेटर्स जुड़ते हैं, टीचर एजुकेटर जुड़ते हैं कि हमारा एथिक्स क्या होगा, हमारा कोड क्या होगा, हम कैसे काम करें। जैसे अभी एक बात आई कि फीड हमें कौन सा टूल्स यूज करना चाहिए, टूल्स क्या वो ऑथेंटिकेशन है कि नहीं। तो कुछ ऐसे भी आपके सवाल हो सकते हैं और कुछ ऐसे टिप्स हो सकते हैं। हमारे बहुत ही एक अनुभवी टीचर हमें बताने के लिए आ रही है सैटरडे को, तो प्लीज आप सैटरडे को जरूर जुड़िए। एंड देन एट द एंड इट इज माई प्रिविलेज टू एक्सटेंड माई हार्ट फेल थैंक्स टू दिस 42.09 एपिसोड ऑफ मशवरा। आई ऑन बिहाफ ऑफ मशवरा टीम एंड मनोविकास फैमिली एंड द इंटायर फेटर्निटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंड माई मोस्ट सिंसियर थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड एंड ऑन माई बिहाफ, माई ओन बिहाफ आई एक्सटेंड वेरी हार्टी थैंक्स टू आवर एक्सपर्ट मिस्टर अनिल जोशी सर spreading the time for his busy schedule to talk and grace on the Mashwara. And we know we have talked many times about ki kya present kare, kaise present kare. So putting the efforts on this episode, thank you very much. And again, I'll say thank you very much, Gupta sir, for blessing us and mentoring us. Thank you, Desai sir, for giving the guidance, giving the timely intervention for Manovikas. I must mention here my deepest sense of appreciation for all the persons who have asked the questions, who have very much involved in the Mashwara today. And big thanks to our volunteers like Adya, Namo Narayan, Amzad, Shalini, Nitin. Yeah. And volunteering efforts are always, you know, it is very much encouraging and it is helping to not to one person, it can help to many persons. So thank you all. And I also extend thanks to all my staff members who has the enormous cooperation and organizing this episode. Rakhi for Shine Language Interpretation, Kaniska for working on the Facebook Live, Indra helping on the Zoom controlling, Nishtha for coordinating with all our experts and writing all the script and everything. And thank you all. Ruby Madam for taking the photographs, DJ for putting my studio, keeping ready the studio and all these things. So thank you all. Thank you. And I must say that I'm fortunate enough to back by you all as a Manovikas family member. And I salute your motivation and dedication. Finally, the wonderful audience and guest, your active participation with such a great affiliation with Mashwara is incredible. हम मतलब daily मैं 100 mail तो जरूर आप लोगों से पढ़ता हूँ, चाहे वो हमारे live consultation में हो, चाहे आप हमारे social media से पढ़ते हो। अब हमारे पास ऐसी स्थिति हो गई कि मैं आपका मेल का जवाब डेली तुरंत नहीं दे पाता हूँ, बट यस आई यूज टू रीड एवरी मेल, आई यूज टू रिप्लाई योर ईमेल। और एक तो बहुत अच्छा हो गया है कि मेल में सर्टिफिकेट का मेल कम हो गया है, जबकि हम लोगों ने आपको मनोविका मशवरा डॉट लाइव पे जो हमारा वेबसाइट है उसी पर आप सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, तो वहां से थोड़ी सी हमारी परेशानी कम हुई है कि आप सर्टिफिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन आपके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही सेंसेबल होते हैं और आप सच मानेंगे कि हम उसी क्वेश्चंस को देखकर अगला एपिसोड डिसाइड करते हैं, आपके ही इंटरेस्ट को देखकर हम अगला एपिसोड डिसाइड करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर एवरीवन हु आर द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम, एंड थैंक यू वेरी मच। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और विशेष वक्ता हमारे अनिल जी को हार्दिक धन्यवाद, और गुप्ता जी को, गुप्ता सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे बहुत सारे मेंबर्स हैं यहाँ पर, मैंने देखा कि पुराने मेंबर्स हैं, रस्तोगी साहब थे, MC रस्तोगी, और हमारी टीचर, हमारी मेंटर मैडम डॉक्टर अलका निजामी मैम। सो थैंक यू वेरी मच everyone, very much incredible you are joining here, and aap sabke hum bahut bahut aavari aur hum aapka bahut bahut aavar aur dhanyavad gyapan karte hain. So I'm opening to take one or two more questions. Agar kini ko koi questions hai to please aap hame ek ya do questions pooch sakte hain. Yeah sir, ha boliye sir, boliye आएगा सर्टिफिकेट आपके, उस पे आया होगा ईमेल पर, आप ईमेल चेक कीजिए, आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा।
सबमिटेड अ सर्टिफिकेट. हाँ जी शालिनी, सबके सर्टिफिकेट आएंगे. ओके या प्लीज किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं. डॉक्टर लोग एक चीज है, जैसे एक फिल्म है जीव कुमार और जया बच्चन जी की शीर्ष फिल्म जिसमें डेफो रंप होते हैं, तो उसमें संजीव कुमार जो होते हैं उन नॉलेज होता है कि स्पेशल स्कूल है, और फिर वो जया बच्चन की मदर को बताते हैं कि ये स्पेशल स्कूल है, आपकी लड़की वहां पढ़ सकती है. तो वो चीज वो आइडिया है एक कि ये टाइम पहले से है और अभी जो अब काफी हो गया है अवेयरनेस लोग जो फील्ड है स्पेसिफिक व्हाट्सएप हो वहां पे सब कुछ हमें मिल जाता है. लेकिन जो मैं कह रहा था ना ये रहा था कि सरकार जो है इसमें ज्यादा करे क्योंकि सरकार का इम्पैक्ट पड़ेगा पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि सरकार अगर कुछ करते तो पेरेंट्स वो ज्यादा रहेंगे तो जो बच्चे रह जाते हैं. और जैसे अनिल साहब ने कहा कि शुरू करना चाहिए बच्चा छोटा और डिवाइस छोड़ना चाहिए टाइम होना चाहिए, तो फिर ये भी हाथ उठा रहे हैं. भी मैं आपसे आपका सवाल लूंगा आप. हाँ जी हाँ जी, तो मैं बस ये कह रहा था कि ये जो है पूरा इंक्लूसिविटी का जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर तो फिर उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा. ये मेरी पर्सनल अपनी वो है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, पर स्टेट गवर्नमेंट हो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट हो तो वो बेटर है. ग्रेट. यस अर्णब की मम्मी अर्णब. सर नमस्ते. पहले नमस्ते सर. मुझे अनिल सर से थोड़ा पूछना था. क्या है कि मेरी बेटी डाउन सिंड्रोम है तो उसका जिद्दी मतलब बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उसी हिसाब से कैसे मैं उसको कंट्रोल करूं? जिद है, स्टबर्न है थोड़ा सा और डाउन सिंड्रोम है. आप हमारे डाउन सिंड्रोम के ग्रुप में हो क्या? आप जो है जो डाउन सिंड्रोम का ग्रुप है उसमें आप हैं? डाउन सिंड्रोम नहीं सर, नहीं मैं नहीं हूँ. अच्छा, तो मेरा नंबर ले लीजिए आलोक जी से और मुझे फिर कांटेक्ट कीजिए. लेकिन वही मैंने जैसे कहा कि बच्चों की ऑब्जर्वेशन अगर आप करेंगे तो जिद्दीपना कम हो सकता है. हमारे हर बच्चों में जिद्दीपना होता है लेकिन वो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन टेक्निक से आप उसको चेंज कर सकते हैं. अच्छा, फिर भी आप मुझसे अलग से कीजिए तो बाकी पेरेंट्स और मदर्स के साथ भी आप जुड़ जाएंगे तो आपको बाकी लोगों से भी सीखने मिलेगा कि किस प्रकार से. एक दिन में नहीं होता है, इसको धीरे धीरे एड्रेस करना पड़ेगा लेकिन होगा जरूर. जिद्दी मेरी बेटी भी जिद्दी है लेकिन उसको हमने पॉजिटिव तरीके से जिद्दी में कन्वर्ट किया है. सभी जिद्दी हैं सर, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो जिद्दी नहीं है. मैं भी जिद्दी हूं. जो जो सक्सेसफुल है वो जिद्दी है. हाँ, मैं भी जिद्दी हूँ. जिद तो चाहिए लेकिन हाँ जी हाँ जी. कामना जी, कामना महेश्वरी और रक्षित जी. जी सर. आलोक जी, ऐसा होता है कि जब चाइल्ड हमारा स्पेशल चाइल्ड है या विद एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है, वो कुछ काम करता है और कुछ चीज मांगता है तो उसको हम कहते हैं जिद्दी है. और वही अगर नॉर्मल बच्चा करता है तो हम एंजॉय करते हैं, देखो कितना अच्छा हो गया. yes, yes. मैं ये लेकर के ही रहेगा. तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. तो जिद्द का दायरा क्या है वो हमको पता होना चाहिए. वेरी गुड कामना जी. यस हेलो जी जी. थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सर. पहली चीज तो मुझे थैंक यू इसलिए बोल रहे हैं कि आपके जो सेशंस होते हैं वो 1.5 से 2 घंटे ऐसा लगता है जैसे मतलब 1 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं मेरे लिए. तो इसका तो, हाँ जी कम पड़ता है. मतलब 3 आवर्स एक मूवी भी हम जब थिएटर में देखने जाते हैं वहां भी शायद इतना एंजॉयमेंट नहीं होता होगा जितना यहाँ एकदम. हमारे टीम को ये 1 घंटे का सेशन हमारे टीम ने प्लान किया था, देन वी स्टेज टू द 90 मिनट्स. अब इससे ज्यादा हमारे पास नहीं. नहीं सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा सर ये था अनिल सर से कि ये जो डिले माइलस्टोन जो बच्चे होते हैं बेबीज, क्या वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन किया कि स्पेशल बच्चों को स्पेशल स्कूल में ही डालना जरूरी है. डिलेड इन माइलस्टोन वाले बच्चे, डिले माइलस्टोन बच्चे को स्पेशल किड कहना मतलब क्या लगता है आपको कि डिले माइलस्टोन तो किसी भी कोई बच्चा स्लो
प्रोग्रेस करता है, कोई फास्ट करता है, जैसे पुराने जमाने में लोग कहते थे कि बच्चा कुछ कोई जल्दी खड़ा हो जाता है, कोई बैठ जाता है, आजकल अवेयरनेस ज्यादा बढ़ गई है, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा अवेयर करा देते हैं पेरेंट्स को। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डिले माइलस्टोन जो एक बोल रही है मैडम, असेसमेंट कर लेंगे एक्सपर्ट से तभी वो उसका सही डायग्नोसिस कर पाएंगे। मैंने या और किसी ने ये कहना उचित नहीं होगा कि बच्चे में डिलेज है कि नहीं है। माइलस्टोन्स, ये मेडिकल माइलस्टोन्स है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी हो सकते हैं और इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स भी हो सकते हैं, और इसी के ऊपर एक्सपर्ट्स ही बताएंगे कि बच्चा स्लो लर्नर है कि उसमें डिसलेक्सिया है, डिसकैल्कुलिया है कि डिसग्राफिया है, कि मेंटल चैलेंजेस है, इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस है। तो एक बार अगर वो असेसमेंट हो जाती है उसके बाद में डिसेबिलिटी बोर्ड उनको सर्टिफिकेट देता है। हमारा अगर फोकस बच्चे की पढ़ाई के ऊपर है तो हमने तो कह दिया कि हर बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसके तौर तरीके समझने के बाद हर बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। इसलिए हम ये गलती ना करें कि एक कॉमन आदमी उसको कह दे कि इसके माइलस्टोन डिले है। हम ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं लेकिन उसका सर्टिफिकेशन या असेसमेंट एक्सपर्ट ही करेंगे। जी, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। सवाल का जवाब सही है और हमारा एक्सेप्टेंस है, अगर हमें कहीं भी कोई कमी दिखती है तो वो इम्पेयरमेंट है, और उस कमी के कारण अगर हम कभी किसी काम को करने में पीछे रह जाते हैं, पढ़ने में पीछे रह गए, उम्र के हिसाब से कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारी कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी है। और एक दूसरा तीसरा टर्म्स होता है हैंडीकैप, जो हमारे इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है कि अगर हमारा जो आसपास का वातावरण है वो हमें काम करने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा है या काम करने लायक नहीं मुझे बना रहा, तब हम वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हम वो हैंडीकैप है। तो ये तीनों स्टेज है, हर माँ बाप को, हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि हमारा बच्चा, हम अपने बच्चे को या कोई भी व्यक्ति को हम किस स्टेज में देख रहे हैं, उसके बाद हम जरूर उसको प्रॉपर डायग्नोसिस करें, प्रॉपर उसके पास उसको टूल्स यूज करें कि वो किस कैटेगरी में है या क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हमें एक प्रॉपर डायग्नोसिस से पता चल जाता है कि हम कहाँ पर हैं, तो आगे हम उसके लिए इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो कामना जी, अगर जी, आप अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैं आपके बेटे को बहुत फॉलो करता हूँ फेसबुक जी, सर थैंक यू सो मच। तो अगर हम देखें कि अभी तक आपने डायग्नोसिस नहीं कराया है तो आप जरूर उसको डायग्नोसिस कराएं। नहीं सर, पूरा डायग्नोसिस हो चुका है और ऑल थेरेपीज सब रनिंग है। ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए हमारे अंदर कि हमने मान लिया है कि हमारे इस बच्चे में ये हमारी चैलेंजेस हैं, तो हम इस चैलेंजेस को खत्म कैसे करें। सर डिले माइलस्टोन तो सब में होता है ना, डिले मतलब हर चीज में डिले हो जाएगा, वो मुझ में सारी चीज डिले है जी। के आलोक जी, जब हम माइलस्टोन्स की बात करते हैं तो माइलस्टोन्स में सिर्फ फिजिकल माइलस्टोन्स नहीं होते हैं कि वो 6 महीने की उम्र, 3 महीने में उसकी गर्दन टिकी या नहीं टिकी, 6 महीने में वो बैठा कि नहीं बैठा, 9 महीने में सपोर्ट चला कि नहीं चला। तो एक तो ये फिजिकल माइलस्टोन्स हैं, फिर उसके बाद में सोशल माइलस्टोन्स आते हैं, फिर उसके बाद में लैंग्वेज माइलस्टोन्स आते हैं, उसके बाद में स्पीच माइलस्टोन्स आते हैं, इंटेलेक्चुअल में कॉग्निटिव माइलस्टोन्स हैं, किस उम्र में उसको क्या क्या आ जाना चाहिए, क्या उसकी वोकैबुलरी होनी चाहिए, लैंग्वेज के माइलस्टोन्स हैं, स्पीच के माइलस्टोन्स हैं। तो ये सभी का असेसमेंट होने के बाद में हम फिर डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, जब स्टेटस हमको पता लग जाएगा तो हम थेरेपी प्लान कर सकते। थैंक यू सर। या ग्रेट। सो थैंक यू ऑल एंड थैंक यू अगेन अनिल सर कि आपका जो आज का जो सेशन था वो मैं कहूंगा कि आज बहुत ही अच्छा, काफी अच्छा सेशन रहा। सभी लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत सवालों का जवाब मिला। मैं एक चीज यहाँ पर लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि बहुत ऐसे सवालों का जवाब है वो आपको प्रोफेशनल्स नहीं दे सकते,
वो जो पेरेंट्स ने अनुभव किया है आप अगर उनसे पूछते हैं तो वो बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। हमारे पास भी जब बीइंग ए प्रोफेशनल हम लोग 22 साल 23 साल हो गए इस सेक्टर में काम करते हुए, जब हमें भी नहीं कुछ समझ में आता है हम उसी पेरेंट्स से पूछते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या था। तो पेरेंट्स एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफेशनल्स है, बहुत बड़ा टीचर है। तो आप अपने आप को पहले एक्नॉलेज कीजिए और अगर आपने अपने आप को एक्नॉलेज कर दिया तो अपने बच्चे को आगे कहीं भी ले जा सकते हैं। और जैसे हमारे अनिल सर ने आज देवांशी का जो एग्जाम्पल दिया है बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं देखा था कि यहाँ नहीं, मैं एक यूनेस्को के भी कमेटी में मेंबर हूँ तो वहां पर भी इस बार जो डाउन सिंड्रोम का एक फंक्शन होने वाला था शायद पेरिस में था या कहीं और था, तो वहां से जेनेवा में, जेनेवा में तो वहां पर भी इसकी बात हुई थी कि देवांशी भी आ रही है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे बच्चे कहीं भी आपको एक आइडेंटिटी दिला सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो आने वाले समय में मे बी अनिल सर बहुत बड़े प्रोफेशनल होंगे आईटी के, लेकिन कभी एक ऐसा समय आएगा कि वो कहलाएंगे कि ये देवांशी के पापा हैं। तो बच्चे आलोक सर टैलेंटेड होते हैं, पेरेंट्स पूरा सब करते हैं ठीक है, लेकिन अब क्या है कि सरकार की तरफ से अगर हम क्या कहते हैं सरकार का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए इनक्लूसिविटी में तो फिर पेरेंट्स जो हैं उनको और मिलेगी और बच्चों को उसी हिसाब से मिलेगी। मैं कहूंगा तो मैं ये चाहता हूँ नितिन जी आप ये बात जो कर रहे हैं ये बात है डिसेबल्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, कि हमें एडवोकेसी करनी है। जैसे पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर खुद अपने अधिकार के बारे में बात किया तो UNCRPD मिल गई, इसी तरह से पेरेंट्स अगर हम अपने अधिकार के बारे में बच्चों के बारे में बात करेंगे तो हमें कुछ और एक नया चीज मिल जाएगा। तो जब भी हमारे मन में कोई भावना आती है कि ये चीज सरकार को करनी चाहिए, ये चीज ऐसा होना चाहिए, अगर वो प्रोविजन है और वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो हमें उसके बारे में लिखना चाहिए। अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है या प्रोविजन ही नहीं बना है तो उसके बारे में एडवोकेसी करनी चाहिए। तो हम सबको मिलके करनी होगी, सरकार तो हम आपसे है। तो सरकार के पास क्या होता है कि फंडिंग्स है या उसके पॉलिसीज है या उसके स्कीम्स है, तो बहुत ऐसे लोगों को स्कीम्स के बारे में नहीं पता, पॉलिसीज के बारे में नहीं पता है। तो अब अगर मैं जानता हूं या आप जानते हैं या कोई भी जानता है तो हमें उसके बारे में अवेयरनेस करने की जरूरत होती है। हम उसको जितना आगे अवेयर करेंगे तो उतना आगे अच्छा होगा ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अनिल सर, थैंक यू नितिन, थैंक यू अनिल भैया, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मेरा प्यार दे दीजिए। हां जरूर जरूर, ओके।